एक बार रिवीजन से शुरू करते हैं, एक हाउसेस के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एंड देन विल बिगिन विद साइंस टुडे। राशियों के बारे में पढ़ेंगे, और अभी हम हाउसेस के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला हाउस किस बारे में क्या कहता पहला हाउस है सोल हाउस, वो अपने बारे में कहता है, इट्स अ सेल्फ, अपनी पर्सनालिटी बिल्डअप एंड है? फर्स्ट इम्प्रेशन, इट रिप्रेजेंट्स द ब्रेन, बेसिकली ब्रेन स्कल। हाँ, पहला हाउस सेल्फ के लिए कहता है। फर्स्ट हाउस इज नोन एज असेंडेंट। असेंडेंट में, असेंडेंट का मतलब भी यही होता है कि जो साइन असेंडेंट। और दूसरा हाउस जो है, चलिए अब दूसरा हाउस क्या होता है, दूसरा हाउस क्या कहता है? न्यूक्लियर फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रन, अपनी फैमिली। हाँ, सेकेंड हाउस, जैसे फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, सेकेंड हाउस इज फैमिली। फैमिली में माँ बेटे बच्चे, उनके लिए हम लोग बोलते हैं। और फैमिली, न्यूक्लियर लिक्विड वेल्थ फैमिली, आल्सो सर, नहीं उसमें लिक्विड वेल्थ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एक्यूमुलेटेड वेल्थ, एक्यूमुलेटेड नॉलेज। ओके। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड वेल्थ, एक्यूमुलेटेड नॉलेज का हाउस सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस फैमिली का हाउस, मतलब न्यूक्लियर फैमिली का हाउस सेकेंड हाउस। थर्ड हाउस जॉइंट फैमिली का हाउस केड़ा हुआ है जी? फिर ज्वाइंट फैमिली का हाउस सर हुआ आपका फोर्थ हाउस, फोर्थ था। जिसमें मदर का हाउस होता है, वो मदर के साथ आता है, होम होता है, वो आपका होम है, घर है आपका। तो थर्ड हाउस किसका हो गया? थर्ड हाउस इज सिब्लिंग्स, 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 हाँ नेबर्स सर, शॉर्ट ट्रेवल्स एंड कम्युनिकेशन, जी, आईटी, इट्स अ कम्युनिकेशन, पराक्रम शॉर्ट हाउस, ट्रैवल। बोल्डनेस, हाँ करेज आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल, आपका किसको, किसके ऊपर हाथ उठाएंगे, उसका भी घर जो है थर्ड हाउस ही है। ठीक है, तो किसकी पिटाई होगी तब, तो वो थर्ड हाउस से देखेंगे। फोर्थ हाउस, मदर एंड मदर का प्रॉपर सम्मान, मातृ मातृभाव, और एजुकेशन आल्सो टिल क्लास 12, यस, घर और प्रॉपर्टी। घर और प्रॉपर्टी। बिल्कुल, तो मतलब घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर, गाड़ी, सुख स्थान भी बोलते हैं उसको, एक्चुअली दुख स्थान है, सुख स्थान नहीं है, क्योंकि सारे कलेश वहीं से शुरू होते हैं, घर से, प्रॉपर्टी से। मतलब आपके वहाँ प्रॉपर्टी है तो वो कलेश के ही कारण है, तो आगे केसेस भी उसी से बनेंगे। तो प्रॉपर्टी, गाड़ी, सब खर्चे के घर उसी से है। सो ठीक है, बट उसको सुख स्थान, सुख स्थान उसको पहले बोला जाता था, क्योंकि वो मातृभाव है, माँ के, माँ का भाव है, इसलिए। फिफ्थ हाउस फिफ्थ पुत्री हाउस इज हाउस इज पुत्र, विद्या एंड बुद्धि। भी वही से है, तो मतलब प्रोजेनी देखेंगे, मतलब प्रोजेनी में आपका बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, और बच्चे होने में कोई प्रॉब्लम आ रही कि नहीं आ रही है, बच्चों को रिलेटेड। तो मतलब आपके, मतलब चाइल्ड बर्थ जो है वो फिफ्थ हाउस से देखा जाएगा। और किस चीज का भाव है फिफ्थ? स्पेकुलेशन, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, स्पेकुलेशन, लव, प्लेटोनिक हायर लव। एजुकेशन आफ्टर 12th, नहीं, हायर एजुकेशन आफ्टर ट्वेल्थ फिफ्थ नहीं है, वो नाइन्थ है, वो नाइन्थ है। ठीक नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस है। है, और ये फिफ्थ हाउस में आपका आएगा बच्चे, बच्चे मतलब प्रोजेनी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया। फिफ्थ शेयर्स हाउस, मार्केट, हाँ इंटेलिजेंस का स्पेकुलेशन, भाव है आपको, इंटेलिजेंस, स्पेकुलेशन का भाव है। ठीक है, सिक्स्थ, रोग, ऋण और शत्रु। बिल्कुल इजी टू रिमेम्बर, इंद्रेन, रोग, शत्रु। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, बैड हाउस, नौकरी, 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 जॉब, नौकरी, जॉब, 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 नौकरी। सबसे ज्यादा सवाल इसी के आने वाले हैं, अभी आप करो, अभी देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के हैं, नौकरी के। तो छठा हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ, स्पाउस, पार्टनरशिप एंड स्पाउस, बिजनेस, स्पाउस लॉन्ग और जर्नी बिजनेस, आल्सो। हाँ लॉन्ग जर्नी और वो सब, बिजनेस पार्टनरशिप, एक और कुछ था, ऑल काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। लव आपने मैरिज देखो, सर, सब वो तो लव हर किस्म का, ठीक है, सारे टाइप के लव्स, मतलब आपका प्रिय, मतलब वन साइडेड लव,
डबल साइडेड लव, एक्स्ट्रा मैरिटल लव, ठीक है, हर टाइप का लव रिलेशनशिप जितनी भी है हर तरीके की, वो सेवेंथ हाउस से, बिजनेस एसोसिएट और ये सब चीजें भी सेवेंथ हाउस से दिखते हैं। और फिर एट्थ हाउस, एट्थ हाउस इज हाउस ऑफ लॉन्गेविटी एंड ऑकल्ट आल्सो, ऑकल्ट आल्सो, तो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है एट्थ हाउस। हम आगे थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे कि हम एट्थ हाउस को क्या देखना है, कैसे देखना है, ताकि हम लोग आगे अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमें आठवां हाउस और बारहवां हाउस दोनों ही देखना है। तो खैर अभी एट्थ हाउस हो गया ऑकल्ट का, एट्थ हाउस हो गया हाउस ऑफ डेथ भी बोलते हैं उसको, और हाउस ऑफ मतलब इसीलिए लॉन्जिविटी बोलते हैं। एट्थ हाउस हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी है, एट्थ हाउस आपका और बहुत सारी चीजें जो एट्थ हाउस में छोटी छोटी आती है, बट मेजोरिटी है आपका लॉन्गिविटी है, क्रॉनिक इलनेस है, मतलब एक तो है ऋण, मतलब जो क्रॉनिक इलनेस लंबी बीमारी जो होगी आपको, मतलब अगर आपको डायबिटीज थायराइड देखना तो हम एट्थ हाउस को पकड़ेंगे, और अगर या कोई लंबी और गंभीर बीमारी तो वो हम एट्थ हाउस के थ्रू देखेंगे, और सिक्स हाउस के थ्रू थोड़ा छोटी बीमारी है नॉर्मल कोर्स की वो बीमारी देखेंगे। तो मतलब जब भी किसी की भी डेथ होती है तो एट्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट होना, दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, बिना उसके नहीं होता। एक है आपका एट्थ हाउस, एक है आपका प्लैनेट सैटर्न, ये दोनों चीजें जो होनी जरूरी है तभी वो किसी की भी डेथ पॉसिबल है। फिर नाइन्थ हाउस आ गया, नाइन्थ हाउस में क्या क्या है, फादर, भाग्य और धर्म, फादर टिल द एज, टिल द चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन फादर, डिपेंडेंट ऑन मी, भाग्य भाव और धर्म भाव, फे हाँ भाग्य भाव बोलते हैं, हाउस ऑफ लक बोलते हैं उसको, ठीक है, लक का है, फेथ का है, किस चीज को आप रिलीजन, कौन सा रिलीजन मानेंगे, फेथ, मतलब हमारे लिए ये पांचवा नाइन्थ भाव भी अच्छा है, फिफ्थ नाइन्थ और एट्थ, सारी वैसे ये सारे आपके एस्ट्रोलॉजी वाले भाव हैं, नॉट एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी बट समवेयर रिलेटेड टू रिलीजन एंड स्टफ। टेंथ हाउस प्रोफेशन, प्रोफेशन, नाइन्थ हाउस हमने एजुकेशन पहले बोल दिया, बट नाइन्थ हाउस के लिए एजुकेशन भी है, एजुकेशन आफ्टर 12th, और एक और चीज है लॉन्ग ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल, ठीक है, तो लॉन्ग ट्रैवल फादर प्रोफेशन और ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल हो गया, प्रोफेशन हो गया, और आपने उसमें बोलना है कि एजुकेशन आफ्टर 12th, वो नाइन्थ हाउस से देखेंगे। सर लॉन्ग ट्रैवल सेवेंथ हाउस से भी देखते हैं ना, उससे भी देखते हैं, बट नाइन्थ हाउस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, थर्ड नाइन्थ एंड ट्वेल्थ ट्रैवल में ये तीन आते हैं, क्योंकि बारहवां हाउस जहां पर भी खर्चा होगा वहां आएगा, ठीक है, तो खैर अभी आते हैं बारहवें पे, बट अभी दसवां हाउस, टेंथ हाउस क्या है, प्रोफेशन, 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 बट क्या है जनरली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि प्रोफेशन को ही कर्म मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रोफेशन इज जस्ट पार्ट ऑफ योर कर्म, ठीक है, आपके कर्म का एक सिर्फ छोटा पार्ट है, पूरे कंप्लीट 100% कर्म नहीं है, तो प्रोफेशन हो गया आपका, और प्रोफेशन इज समथिंग विच इज डिनोटेड बाय टेंथ हाउस, तो टेंथ हाउस का मतलब आपका है सोर्स ऑफ इनकम, आप पैसा कहाँ से कमाएंगे, ठीक है, वो आपका टेंथ हाउस आपका बताएगा, और सिक्स हाउस और सेवेंथ हाउस बिजनेस है, जॉब है, टेंथ हाउस इज सोर्स ऑफ इनकम, इलेवेंथ हाउस हाउस ऑफ फेम भी बोलते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाउस ऑफ फेम मिलता है, आपको अवार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको प्राइज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितनी प्रसिद्धि होगी आपको, यूट्यूब के वीडियोस के कितने लाइक मिलने वाले हैं, अब तो टिकटॉक बंद हो गया, वरना पहले मैं टिकटॉक का एग्जांपल दे दूंगा, पॉलिटिशियंस के पावर के लिए भी 10th हाउस देखा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिशियन को बिना फेमस हुए कैसे कौन पॉलिटिशियन बनेगा, वो जीत ही नहीं सकता बिना बिना 10th और 11th के इन्वॉल्वमेंट के, तो कोई पॉलिटिशियन गया कोई भी बड़ा आदमी मतलब फेमस हो ही नहीं सकता। 10 और 11 मतलब हमारी सारी एस्ट्रोलॉजी जो है वो सिर्फ 10वें 11वें और 6ठे 8वें 12वें हाउस के अंदर ही सीमित है पूरी, मतलब नुकसान 6, 8, 12, फायदा 10, 11, अब किसका नुकसान किसका फायदा कैसे देखते हैं वो सारी चीजें बाद में, बट ये मेजरली यही हाउस है। तो रियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स का हाउस है 11th, ठीक है जी, अब 12th पे आ जाओ, 12th क्या है, व्यभाव खर्चा जो होता है, मतलब हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, वो हॉस्पिटलाइजेशन का भाव, मोक्ष, हाँ मोक्ष का भाव है, आइसोलेशन,
किसी मामले में जेल होगी वो भी 12,000 में बिल्कुल। हाँ मतलब सारी चीजें मतलब जेल, हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब जो भी खर्चा आपका फालतू चीजों में होना है ठीक है वो सब 12,000। फॉरेन ट्रैवल 12,000। मेडिटेशन का भी हाउस है ठीक है, मेडिटेशन है, ऑकल्ट है, इसका भी हाउस है, ये सब आप करेंगे कि नहीं करेंगे तो ये सब चीजें अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में सेटल हो गए सेटलमेंट वो नौ बारह वो नौ वो तो एक अकेला 12,000 नहीं दे सकता। अकेला 12,000 मतलब ये आपको जैसे अभी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अकेले अकेले हाउसेस को भी पढ़ना बताऊंगा बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स आई विल टेल यू कि अकेला हाउस कोई रिजल्ट नहीं देता, अकेला प्लेनेट कोई रिजल्ट नहीं देता। इट इज ऑलवेज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस, इट इज ऑलवेज दशा अपनी अपनी दशा भुक्ति अंदर में ही प्लैनेट अपना रिजल्ट देगा। कैसे देगा, रिजल्ट क्या देगा वो हम लोग लास्ट में बात करेंगे बट अभी हम फिर भी पढ़ना सीखेंगे कि हम एक बेसिक चार्ट को कैसे पढ़ें, उससे आदमी का नेचर कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके का आदमी होगा, क्या होगा, बेसिक एक चार्ट को पढ़ना आपको आ जाएगा वो हम जरूर करेंगे। तो अभी आज हम करेंगे आज बिफोर वी स्टार्ट विद राशियां या साइंस आपको थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी पढ़ लेते हैं। एस्ट्रोनॉमी क्या मतलब आप लोगों को मालूम है अर्थ की, अर्थ की मूवमेंट के बारे में कितने तरीके की मूवमेंट होती है, अर्थ का मूवमेंट कितने टाइप का होता है? दो दो रेवोल्यूशन। ये तो पता होना चाहिए यार, ये तो रोटेशन रेवोल्यूशन। हाँ यही होता है। हाँ दो होते हैं। एक तीसरे टाइप की भी रोटेशन होती है जिसे बोलते हैं हम लोग जो भी बोले फिर वो अपना ऑन कर ले। हाँ जी तो ये थर्ड मूवमेंट जो है इसका अर्थ का वो है वॉबलिंग। आप लोगों ने सबने लट्टू देखा होगा और सबने बेबलेट भी देखा होगा, बच्चे बेबलेट चलाते हैं, लट्टू तो नहीं चलाते बेबलेट बच्चे जिनके हैं वो लोग चलाते हैं। तो मतलब इट इज लाइक ऐसे से घूमता है जो लट्टू जो भी है घूमने वाला। तो अर्थ जो है मून का ग्रेविटेशनल पुल इतना है कि वो अर्थ के मूवमेंट पे थोड़ा सा इफेक्ट कर देता है, मतलब वो अर्थ को अपनी तरफ खींचता रहता है और अर्थ का मूवमेंट जो है अपनी एक्सिस से थोड़ा सा वॉबल करता है। जैसे गाड़ी का टायर वॉबल करता है तो गाड़ी हल्की हल्की हिलती हुई नजर आती है, समझ में आती है कि हिल रही है। और जैसे या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जब लट्टू रुकने लगता है, जब बिल्कुल अपनी स्पीड में चल रहा था बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि वो हिल रहा है कि नहीं, बट जैसे जैसे उसकी स्पीड कम होती है तो वो हिलता है ऐसे से अपनी एक्सिस पे, ऐसे ऐसे हिल के गिर के घूम के गिर जाता है। तो ये कंटिन्यूस अर्थ हमारी घूम रही है और उसकी अपनी एक्सिस पे हल्का सा वॉबल कर रही है। वो वॉबल जो कर रही है उसकी वजह से देयर इज अ डिफरेंस व्हिच इज व्हिच कम्स इन द मेजरमेंट इन द रोटेशन वाले पूरे उसके मेजरमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयाक्ष, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स। ठीक है आपने पढ़ा होगा कहीं प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स होता है प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्स। तो 291 AD में लास्ट टाइम जब हुआ था ये 291 AD में ये पूरा का पूरा वाज द लास्ट टाइम व्हेन ये शुरू हुआ था और अभी तक ये करीब 23 या 24 डिग्री का फर्क आ चुका है, उसमें भी बहुत सालों में आता है, मतलब कई सालों में एक डिग्री का या आधा डिग्री का फर्क आता है। अभी तक 6 डिग्री का फर्क आया है, 6 डिग्री घूम के जब 360 डिग्री पूरा हो जाएगा तब लास्ट टाइम 360 डिग्री पूरा हुआ था दैट वाज 291 AD। तो अभी आप सोच लो वहां से लेकर अब तक सिर्फ 6 डिग्री का ही है, तो अभी हमारे लाइफ टाइम में तो 6 डिग्री रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लोग निश्चिंत रह सकते हैं, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्या आगे क्या और चेंज आएगा। अब ये आयांश क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हम सभी लोगों को बेसिक वो रहता है, बेसिक इंक्विजिटिवनेस है और क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बुनियादी सवाल कि सनसाइन सबसे अच्छे होते हैं कि मून साइन अच्छे होते हैं, राशि हिंदी वाली देखो कि इंग्लिश वाली देखो।
जहां आपने आधे लोगों को तो पता ही नहीं इंग्लिश वाली राशि कौन सी है, पता हिंदी वाली कौन सी है, कुंडली की राशि कौन सी है, और आधे लोगों को सिर्फ अपना वो जो डेली हॉरोस्कोप आता है अखबार में उसकी वजह से पता है कि हमारा सनसाइन क्या है। एंड स्कूल कॉलेजेस में सबको बड़ा शौक रहता है सनसाइन के बारे में पढ़ना, एंड दैट बिकॉज दे रिप्रेजेंट अ सर्टेन ट्रेट पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन। तो अब ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स तक तो ठीक है, जो सनसाइन के पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपने पढ़े कहीं पर भी पढ़े, बहुत किताबें हैं, लिंडा गुडमैन इज द मोस्ट फेमस बुक ऑन पर्सनैलिटी ट्रेट्स, तो अगर आपने वो पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इट विच इज वेरी गुड, क्योंकि काफी हद तक मिलते जुलते हैं, उसमें कोई ज्यादा इशू नहीं। लेकिन जो डेली हॉरोस्कोप आप पढ़ते हैं वो एंटरटेनमेंट न्यूज है, उसको पढ़ने की जरूरत है, वो आपको मैंने पहले ही बताया वो एंटरटेनमेंट न्यूज की तरह ही है, उससे ऊपर कुछ नहीं, तो उसका कुछ नहीं पढ़ना। अब ये क्यों होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दो दो साइन क्यों है और इनका क्या मतलब है सन साइन और मून साइन का? आप सब लोगों ने अपनी कुंडलियां देख ली अभी तक, तुम तो देख ली होगी, सब लोगों का असेंडेंट भी पता होगा अपना क्या है और सबको राशियां भी पता होगी, पता है सबको अपनी राशि? यस सर। हाँ जी पता है, वेरी गुड। बाकी लोगों को भी पता है, सबने देखी है? यस सर। चलो हाँ ठीक है, बाकी लोग भी सो हाँ सर देखिए, सन साइन है और मून साइन, ठीक है। मून साइन हम लोग हिंदी में राशि बोलते हैं, सन साइन को हम लोग जोडिया बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं तो हम लोग अलग तरीके से बोलते हैं, और ये भी बड़े मजे की बात है, अगर आप जब भी बोलेंगे हिंदी की राशि कौन सी है, आपकी हिंदी का साइन कौन सा है, सब लोग हिंदी का नाम लेते हैं, और जैसे ही सन साइन का नाम बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलने लगते हैं, नहीं मेरा कैंसर है, नहीं मेरा कर्क राशि, वैसे ही हम लोग को सीखा, हम लोगों ने सीखा या हमें पता है। एनीवे दो सिस्टम फॉलो होते हैं, एक सिस्टम है मेजरमेंट का, एक सिस्टम है सायन सिस्टम, एक है निरायन सिस्टम। तो ये सायन का मतलब हो गया विद आयांश, मतलब आयांश का मेजरमेंट लेके जो सिस्टम फॉलो हुआ वो है सायन, जिसमें कि हमारा जो राशियों का बेसिकली सन की मूवमेंट पे ये बेस्ड है, ठीक है। और मून साइन जो हमारा जो सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं वो निरायन है, निर्याण सिस्टम है, निर्याण बोलते हैं उसको हिंदी में, निरायण इंग्लिश में है, तो नी प्लस आयांश, मतलब आयांश को नहीं देते हम, नहीं मानते हमारे यहाँ जो भी चीजें हैं उसमें आयांश को नहीं मानते, सनसाइन वाले जो है वो आयांश को मानते हैं, जो डिफरेंस इन वॉबलिंग वाला उसमें नहीं मानते। तो ये दिस इज ट्रेडिशनल जो होते हैं, हम जो प्रेडिक्शन वाले टाइम पे जब आते हैं तब सॉफ्टवेयर आजकल बहुत जबरदस्त इस पे आयांश, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं हुए पीछे उन्होंने अपने अपने आयांश निकाल दिए कि ये आयांश हमारा आयांश है कि हमारी कैलकुलेशन सबसे परफेक्ट है, फिर सबकी अपनी अलग अलग है। एक चित्रपक्ष आयांश होता है जो कि बहुत सारे लोग यूज करते हैं, इंडिया में मैक्सिमम वही यूज होता है, और कुछ लोग फिर केपी जो यूज करते हैं वो कृष्णमूर्ति पद्धति आयांश यूज करते हैं, हम लोग नाड़ी आयांश यूज करते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का प्रॉब्लम। तो निरायन सायन और निरायन ये दो डिफरेंट सिस्टम्स है, इसके हिसाब से जो सन की मूवमेंट है, सन जो जाएगा एरीज में, जब जाएगा बेसिकली एरीज से स्टार्ट होता है, सन कब एरीज में जा रहा है उससे हमारा एक तरीके से न्यू ईयर कैलेंडर या जो मर्जी आप कह लो उस टाइप से शुरू होता है। तो हमारा तो खैर ये सन एरीज में इसमें जाता है 21 मार्च के आसपास, 21 मार्च से 22 अप्रैल या 22 अप्रैल ये 21-22 के बीच में रहता है, ये एरीज साइन यहाँ से शुरू होता है इनका, ठीक है। ये यहाँ पे एरीज है, हमारा शुद्ध हमारा सन जो जाएगा उसमें वो जाएगा आपका 14 अप्रैल, और ये भी 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल टू मई, 21-22 मई हो जाएगा, और ये हमारा जाएगा 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को हम लोग बनाते हैं बैसाखी, विच इज सन एंटरिंग एरीज, मतलब सन जो है सन टेक्स अराउंड 30 डेज फ्रॉम मूवमेंट फ्रॉम वन साइन टू अनदर साइन, 30 दिन का टाइम लगाता है वो एक जोडियक से दूसरे जोडियक बनाने में, एक राशि से दूसरे राशि में, वो हम पूरा ट्रांजिट युग पढ़ेंगे, तो हम पूरी हर प्लैनेट का कितना टाइम लगता है उसको मैं आपको समझाऊंगा, किस तरीके से क्या कैसे कैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं वो आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, बट अभी सिर्फ इतना ही मान लेते हैं, इतना ही समझ लेते हैं कि हमारे और हमारे फेस्टिवल जितने भी हैं
इंडियन फेस्टिवल जितने भी हैं हिंदू फेस्टिवल, सन के ऊपर दो फेस्टिवल बेस्ड है, मकर संक्रांति और बैसाखी, बाकी सारे मून के ऊपर बेस्ड है, बाकी सारे फेस्टिवल जो है वो मून के ऊपर ही बेस्ड है, मून की मूवमेंट अमावस या पूर्णिमासी पे बेस्ड है और सन के ये वाले हैं। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे, ये इतना ही इसका इन्फॉर्मेशन और ज्यादा वो है नहीं, अब राशियों का अगर आप देखेंगे तो ये मतलब पता होना चाहिए कि डिफरेंस आपको क्यों है दोनों का, दोनों में क्या डिफरेंस और क्यों डिफरेंस है। तो ये निरायण के हिसाब से 14 अप्रैल एरीज है, साइन के हिसाब से मार्च 21 अप्रैल 19, टॉरस 15 मई 20 सितंबर, ये पूरा टेबल है, रफली इन्हीं डेट्स के आसपास ही ये पूरा का पूरा जाता है इसमें, मतलब सारी मूवमेंट्स होती है सन की और उसी हिसाब से हमारा कैलेंडर बेस्ड है, उसी हिसाब से हमारे सन साइंस और वो सब बेस्ड है, सारे सन साइंस बेस्ड है। दूसरी चीज, अब हम जो भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग राशियां नहीं पढ़ेंगे, राशियों के बारे में पढ़ेंगे बट राशियां नहीं पढ़ेंगे सिर्फ, मतलब राशि का जब मैं कह रहा हूँ राशि मतलब आपकी राशि, आपका मून किस साइन में है वो आपकी राशि हुई, बट हम वो नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे असेंडेंट में कौन सा साइन है, क्योंकि जो जनरली ये तो इन्फॉर्मेशन सभी लोग बताएंगे आपको कि आपकी राशि के हिसाब से आपको पता भी होगा कि अच्छा चलो एरीज आ रहा है मेरा हिंदी के हिसाब से, इंग्लिश में चाहे जो भी हो, बट अगर एरीज भी आ रहा है उसमें हिंदी हिसाब से तो एरीज क्या, आई नो द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे हो, बट देयर इज अ डिफरेंस, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जो कैरेक्टर जो बेसिक कैरेक्टर है वो उससे हम नहीं देखेंगे, हम साइंस आपका जो असेंडेंट में जो साइन है उससे देखेंगे कि आपका असेंडेंट में कौन सा साइन है। तो हम बेसिक पहले असेंडेंट के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके नीचे हम उनके असेंडेंट का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक कैसा सा होगा, तो आपको मालूम है आपका असेंडेंट क्या है, आप अपना चेक करके देखिएगा कि आपका उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हाउसेस हमने पढ़ लिए, निरायण साइन हो गया, उससे पहले हम लोग ये इसको भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा पंच महाभूत को, हम सीधा उस पर आते हैं जोडियाक्स पे आते हैं कि जोडियाक, अब जोडियाक के जो हम वो थे लॉर्ड थे, लॉर्डशिप हमने पढ़ी थी, प्लस सन के मतलब जो हर एक के हर सन के मून के हर किसी प्लैनेट के मतलब हर किसी हाउस की लॉर्डशिप जो थी वही सेम जो है आपकी राशियों की लॉर्डशिप है। तो राशियों की लॉर्डशिप में अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला साइन है एरीज, नंबर आपको मालूम है, सबको नंबर याद है सारे नंबरों के, क्योंकि नंबर याद होने बहुत जरूरी है, सारे साइंस के नंबर याद है। यस सर। चलो नंबर सात कौन सा है? लिब्रा। वेरी गुड, ठीक है, अभी इससे ज्यादा नहीं पूछूंगा मैं, अभी सबको मालूम है। तो एरीज हो गया, एरीज है मेष हिंदी में, सिंबल राम। अब ये राशियां हैं ऐसे नाम क्यों हैं, अब लोग हम लोग ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि भाई ये कि मेष ये एरीज ही क्यों और राम जैसा राम ही क्यों, इसका सिंबल अलग अलग सिंबल होता है, इसका सिंबल हम लोग ऐसे बनाते हैं, सिंबल्स भी मैं आपको आज बताऊंगा, आप लोग वो नोट कर लेना और चाहे तो कुंडली में आप नंबरों की जगह सिंबल्स डाल दो तो जरा सा टाइम लगेगा याद करने में, सामने वाले पे बड़ा प्रभाव पड़ता है कि इसको बहुत ज्यादा ज्योतिष आता है। ठीक है, तो सिंबल्स हम पढ़ लेंगे अभी। तो क्या होता है जब अगर असेंडेंट आपका एरीज है, ठीक है, नंबर वन साइन है आपका, किसी का है असेंडेंट एरीज? माइन सर। वेरी गुड। तो अभी क्या, अभी अब ये कैसे से आए मैं इसको बता रहा था आपको कि पहले तो पहले के जमाने में जब ऊपर देखेंगे कॉन्स्टेलेशंस देखी थी, कॉन्स्टेलेशंस की एक शेप देखी थी, अब उस शेप को मैच किया गया जो भी एनिमल कुछ भी किसी भी चीज से जिससे रिजेंबल करता हो, तो ये राम मतलब भेड़ की से रिजेंबल करता है एरीज का साइन, तो इसको हमने एरीज बोल दिया, और कोई रीजन नहीं कि एरीज ही क्यों बोला और कोई दूसरा नाम क्यों नहीं बोला, और क्या है वो जैसे कॉन्स्टेलेशन देखी उसकी शेप जिस भी चीज से मैच करी वही नाम उसको दे दिया। तो यही इसके पीछे की साइंस है और कोई ऐसा कोई रॉकेट नहीं है उसके पीछे कि यही क्यों दिया वो क्यों नहीं दिया, मतलब एरीज एरीज क्यों है, कैंसर क्यों नहीं है, तो वो सब नहीं है। तो पहला साइन जो दिखा वो एरीज दिखा, उसको भेड़ की शेप का दिखा, उसे राम मतलब राम वाला सिंबल दे दिया और मेष उसकी एरीज उसकी नाम दे दिया। अब ये लोग जो होते हैं काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, इन्हें कहते हैं भेड़ की मतलब जैसे कहते हैं ना लकीर के फकीर या भेड़ चाल जिसे बोलते हैं,
मतलब इनको काम ये सिर्फ काम करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम जो बोल दो तुरंत इंस्टेंट काम। अब एरीज का लॉर्ड अभी बताऊंगा ये रेस्टलेस लोग हैं वो ज्यादा रेस्ट नहीं कर सकते अपने काम के अलावा दूसरों के काम में भी लेने का पूरा पूरा इनका हमेशा मतलब कहीं पर भी जैसे होता ना कि मतलब कोई भी लड़ाई हो रही हो कुछ भी हो रहा हो उसमें बीच में जाके बीच बचाव करना या दूसरे के पंगे में अपनी राय जरूर देनी इनके लिए बहुत जरूरी है। तो ये एरीज वाले लोग एरीज असेंडेंट के लोग वैसे हैं दे लाइक टू एसोसिएट मतलब ये काफी लॉयल लोग हैं काफी अच्छे लोग हैं और ये बहुत जल्दी में काम करते हैं मतलब बिल्कुल इनको स्पीड में काम करने की बहुत आदत है। ये मतलब जैसे आप मान लीजिए आपके ऑफिस में कई सारे लोग हैं एक एरीज वाला बंदा है एरीज वाला बंदा अगर होगा तो वो आपने कोई उसे काम बोला वो पूरा काम सुनेगा नहीं वो पहले ही भाग जाएगा सारा काम सुन के चला जाएगा और वो काम करेगा और वो मतलब फिर बाद में वहां से फोन करेगा मैंने तो मुझे क्या काम बोला आपने वो मेरे को पूरा समझ में नहीं आया तो बाद वो दे डू इट इमीडिएटली। अब ये इसको आप जोड़ सकते हैं इसका एरीज का लॉर्ड है मार्स मार्स इज मंगल वो हमारे हनुमान जी जो है वो मंगल वाला वो सीन है तो वो वही जैसे हनुमान जी ने उनको बोला जड़ी बूटी लाने के लिए वो पहाड़ उठा के ले आए ये एरीज असेंडेंट वाले लोग जो है इस टाइप के थोड़े से रहते हैं काफी स्ट्रांग विल पावर है एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजर होते हैं ये क्रिटिसिज्म ज्यादा झेल नहीं पाते और इंडिपेंडेंट लोग हैं डोमेस्टिक लाइफ इनकी अच्छी होती है दे विल क्रेव फॉर लव हार्ड वर्किंग लोग काफी हार्ड वर्किंग लोग हैं बट अगेन यस दिस इज हर काम को जल्दी करने में लगे रहते हैं जल्दी करते हैं। अब ये नीचे कुछ वर्ड्स है फायरी मूवेबल हेड पित्त क्षत्रिय ईस्ट नॉक्टर्नल ये सारे वर्ड्स में आपको जब हम सारे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे फिर उसके बाद आपको पूरा टेबल समझाऊंगा कि इनका मतलब क्या है और इनका इंटरप्रिटेशन क्या है आप अपनी कुंडली में देखेंगे तो कैसे देखें इन राशियों का क्या मतलब है। तो अभी हमने हाउसेस पढ़े हाउसेस क्या है हाउसेस है एक्टिविटीज क्या होगा आपके साथ बट राशियां क्या है राशियां हैं कि आपका वो एनवायरमेंट पैदा करेंगी वो माहौल पैदा करेंगी किस माहौल में होगा कैसा सा होगा वो आपका रिजल्ट जो है वो राशियां देंगी अच्छा बुरा ज्यादा कम ये सब प्लैनेट्स डिसाइड करेंगे। तो आपकी मतलब जैसे आपकी लाइफ में जो भी कुछ घटना घटनी है किसी भी तरीके की वो आपके हाउसेस डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी घटना घटेगी किस माहौल में घटेगी क्या एनवायरमेंट होगा उसका एक्टिविटी का वो उस घटना का वो आपकी राशि डिसाइड करेगी उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी वो आपका डिसाइड करेगा आपका प्लैनेट कि ये ज्यादा रिजल्ट मिलेगा कम रिजल्ट मिलेगा अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा वो सब सर ये राशियां मतलब पर्सनालिटी भी बता देती हैं। हाँ बिल्कुल अभी करेंगे हम सारी पर्सनालिटियां करेंगे ये पर्सनालिटी बता रहा हूँ मैं जो जिस असेंडेंट का जो भी बंदा है उसकी पर्सनालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं अब इसमें कितनी मैच कर रही है कितनी नहीं मैच कर रही है ये मतलब सही माने में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हमें मालूम है हम जो जिसने भी न्यूमरोलॉजी करी हुई और उसमें मैक्सिमम लोग जो न्यूमरोलॉजी कर चुके हैं वो लोग भी हैं और जो कर रहे हैं अभी वो लोग भी हैं तो एक बार हम जब उसकी आदत पड़ जाती है हमें उस चार्ट को देखने की और उससे जब हम पर्सनैलिटी जज करने लगते हैं तो हमें ये कुंडली देख के जज करने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है तो पर्सनैलिटी का सारा सब कुछ वहां से पता लग जाता है बट नेवरदलेस हम लोग फिर भी इसमें इससे भी जज करने की कोशिश करेंगे और इससे भी बताने के दो तरीके हैं इसमें पर्सनैलिटी जज करने के हम दोनों ही तरीके आज यूज करेंगे। पहला है असेंडेंट देखना असेंडेंट क्या है जो कि हम बात करें वो उसके फीचर्स देंगे दूसरा तरीका जब हम सारे साइन पढ़ लेंगे फिर मैं बताऊंगा क्या करेंगे। सर एक क्वेश्चन है अगर असेंडेंट एरीज है और उनका मून साइन पे भी इंपैक्ट होते हैं फ्रॉम द पर्सनालिटी नहीं मून साइन नहीं देखते हैं पर्सनालिटी नहीं देखते राइट मून साइन नहीं मून साइन वाला मैंने बताया ना आपको वो तो आपको ने पढ़ ही रखा होगा चाहे आप इंग्लिश के इंग्लिश वाले पढ़ो चाहे वो हिंदी वाले पढ़ो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही है सबके ठीक है वो दुनिया सब पढ़ती आ रही है सब कुछ है वो पीपल नो अबाउट दैट वो नहीं है दिस इज असेंडेंट असेंडेंट कैसा होगा वो हमें देखना वो दैट डिसाइड्स द नेचर। अब सेकेंड साइन दिखा ये बुल की शेप में दिखा दे आर बुल ये लोग जो है ये बुल कैसा होता है बुल इज शांत है एकदम बिल्कुल स्लो स्टार्टर है शांत रहेगा लेकिन अगर बिगड़ गया तो फिर इसने
सामने वाले का मतलब मुश्किल हो जाता है इसको कंट्रोल करना, इसको टेम करना. सो दे कैन टर्न फ्यूरियस व्हेन प्रोवोक्ड, अदरवाइज बहुत आराम से आराम पसंद है. ये लेजी है, काफी लेजी है, काफी कैरी करते हैं वेट अपने बातों में भी, अपने जो बोलेंगे काफी वजनदार बोलेंगे, कम बोलेंगे ज्यादा वजनदार बोलेंगे. और इनको पावर है डोमिनेट करने की बाकी लोगों को. और अच्छे होस्ट हैं, बिजनेस इंट्यूशन अच्छी होती है, जल्दी शादी करने का इंटरेस्ट नहीं होता इनमें भी, और थोड़े से जेलसी प्रवृत्ति के लोग, जेलसी हो रहती है. अब ये हरदी फिक्स फीमेल इवन फेस, ये सारी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है. इनको अब जब बाद में समझेंगे हम लोग, एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स और मूवेबल हैं. और क्योंकि जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा मूवेबल का मतलब क्या है और हरदी से क्या उसका मतलब है और आप अपनी कुंडली में क्या देखें, तब तक समझ में नहीं आएगा. तो लेट्स गो थ्रू ऑल दीज साइंस फर्स्ट एंड देन वी विल कम टू. इसका फर्स्ट का रूलिंग प्लैनेट हाउस का मार्स था, इसका भी मार्स है. सेकंड का रूलिंग प्लैनेट साइन का भी वीनस है, हाउस का भी वीनस है. सेकंड इज वीनस, थर्ड इज जेमिनी. जेमिनी क्या है? जेमिनी है हवा में बातें करना, अभी बहुत हवा में बातें करते हैं ये लोग. स्प्लिट पर्सनैलिटी है, अब ये डुअल पर्सनैलिटी है, ठीक है. डुअल कैरेक्टर, काफी क्लेवर और डेंजरस लोग, जिनका भी तीसरा नंबर है उसमें. जितेंद्र जी, आपकी जो हमने बातें करी एरीज वाली, कुछ मैच करती है किसी भी तरीके से आपसे? सब परफेक्ट मैच करता है. अरे वाह, क्या बात. तो बाकी अब ये जेमिनी है कोई? हाँ, मैं हूँ. अभी आप क्योंकि इसमें काफी हम लोगों ने सही से लिखा होगा, मैं आपको पहले बताया था, मेरा जो एसेंडेंट है वो स्कॉर्पियो है, उसमें बहुत गंदी गंदी बातें लिखी है, तो मैं ज्यादा मानता नहीं इसको, मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ, ठीक है. देखो जी, एक तो ये हवा में बातें नहीं करता मैं, हाँ, पर्सनालिटी मेरी नहीं है, पर क्लेवर एंड डेंजरस मैं हूँ. ठीक है, वो ठीक है, वो मैच कर गया. फॉल्स प्रॉमिस मैं कभी करता नहीं, ठीक है. ड्यूअल पर्सनालिटी मेरी है नहीं, पर नो कंटिन्यूटी में कई बार मेरे को प्रॉब्लम आती है. अच्छा. कि बीच में छोड़ना पड़ जाता है, छोड़ देता हूँ बीच में. ओके, मोस्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यस. ओके, हेट एंड लव, हॉट एंड कोल्ड, मेंटली क्विक, डिप्लोमेसी, ट्रुथ, ब्रिलियंस, विट, सटलिटी, ये सारी बहुत सारी चीजें. हॉट एंड कोल्ड, यस. हेट एंड लव नहीं है, मेंटली क्विक, यस. डिप्लोमेसी मेरे को आती नहीं. अच्छा, सच में बोलता हूँ, ब्रिलियंट हूँ, विटी हूँ, ये सब सब्टलिटी का मीनिंग नहीं मेरे को पता. क्या सब्टलिटी? मतलब सटल तरीके से बोलना, आराम, मतलब एग्रेशन नहीं. ना सब्टलिटी, आई एम कंसीडर्ड टू बी वेरी हार्श एंड वेरी हार्श. चलिए ठीक है, कोई नहीं. तो ये सारी जेमिनी एसेंडेंट वाले लोग इस तरीके के गैम्बलिंग, ठीक है. काफी चीजें मिलती है पर सारी नहीं मिल रही. हाँ, सारी तो देखो किसी की मिलेंगी नहीं, ठीक है. बट इसके अंदर जो मतलब जेनरिक सी बातें होती है ना, वो नहीं लिखी. सबके हर साइन की अलग है और हर साइन का बिहेवियर अलग है. क्योंकि अगर वो एरी है, डुअल है, तो उसका क्या मतलब हुआ? और वो अगर वो मूवेबल है, फिक्स्ड है, उसका क्या मतलब है? तो वो अभी हम पढ़ेंगे, वो सारे के सारे साइन में आपको, तो वो तरीका समझाना पड़ेगा मुझे कुंडली देखने का, कि कुंडली में कैसे देखना है, तभी समझ में आएगा. अदरवाइज ऐसे समझ में आएगा नहीं. ये तो मैं आपको भेज दूंगा, आप पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं. ये सारे नोट्स पे भेज दूंगा आपको, वो इसलिए कोई टेंशन नहीं है अपने आप. अब कैंसर नंबर चार नंबर है, कोई कैंसर असेंडेंट इधर? मैंने देखा कैंसर के बहुत कम लोग होते हैं. नहीं नहीं, बहुत होते हैं. नंबर दो डेस्टिनी वाले जो है अपने, वही कैंसर असेंडेंट बराबर है, सेम. अगर किसी का डेस्टिनी भी नंबर दो है और असेंडेंट कैंसर है, तो समझ लो फिर तो हो गया काम उसका. फिर तो बहुत, फिर तो आप मतलब आप किसी ऐसे रोने वाले के बंदे के साथ बैठे हो कि बड़ा ही खुश रोता ही रहेगा, मतलब बिल्कुल मतलब आंसू निकाल कर रोएगा. तो ये बहुत सेंटिमेंटल लोग होते हैं कैंसर असेंडेंट वाले, वेरी इमोशनल. अब क्रैब की मूवमेंट जो है वो टू एंड फ्रो रहती है, तो ये भी टू एंड फ्रो रहेंगे. कभी थोड़ा एक कदम आगे चलेंगे तो तीन कदम पीछे भागेंगे. तो हमारे इंडिया की राशि तो कैंसर ही है. इंडिया की राशि कैंसर, हाँ. तो हाँ, देख लो ना इंडिया में कितने सेंटिमेंटल लोग हैं हमारे यहाँ, जज्बाती लोग ज्यादा हैं, तभी तो इतना प्यार है. कैंसर अब उसका रूलर मून है, ये फोर्थ हाउस का भी वो है, तो ये सब इसीलिए तो हम भारत माता बोलते हैं.
वो है सब इसमें मदरली लव ज्यादा आइडिया के तो टू एंड फ्रो में तो ये अटेंशन सीकिंग भी है इनका, डरे रहते ज्यादातर ये लोग और शाई एंड इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं, मतलब हैं तो इंट्रोवर्ट टाइप के बट वेरी इमोशनल, मतलब बेसिकली बहुत इमोशनल हैं और इमोशनल क्वोशेंट इनका बढ़ जाता है अगर ये इनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 आ जाए तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, और अगर जितने ज्यादा 2 होंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है अगर आप देख रहे हैं किसी का चार्ट, क्योंकि जब आप एडवांस करेंगे एस्ट्रोलॉजी का और उसके बाद आप चार्ट देखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप न्यूमरोलॉजी की ग्रिड ही लगाएंगे, उसमें देखेंगे क्या नंबर है क्या चीज है, फिर उसके बाद आप असेंडेंट देखेंगे इसका कुंडली में, अगर असेंडेंट और वो दोनों चीजें मैच करती है तो आपको उसका नेचर और कैसे वो बिहेव करेगा आदमी वो पूरा पता लग जाएगा। तो ये बहुत जबरदस्त, ये वाटरी साइन है। अब वाटरी साइन का क्या मतलब है वो भी हम थोड़ी देर में करते हैं। अब ये हो गया कैंसेरियन, तो कोई कैंसेरियन नहीं हमारे यहाँ, कोई मुश्किल बंदा नहीं है, वैसे नंबर 2 डेस्टिनी वाले थे, 8 नंबर डेस्टिनी है 2 नंबर डेस्टिनी, ये वही वाले लोग कैंसेरियन जो है लियो। अब ये थोड़ा सा रॉयल साइन हो गया, नंबर 1 डेस्टिनी जिसको बोल सकते हैं, सन साइन, सन वाला बंदा, तो ये लायन है, रॉयल साइन है, लेजी है, ये अपना काम खुद नहीं करेगा कभी, किसी से करवाएगा, चाहे किसी भी लेवल पे, किसी भी लेवल पे हो, कोई जरूरी नहीं कि ये मालिक हो तो ही ऐसा करेगा। अगर असेंडेंट इसका लायन है, असेंडेंट इसका लियो है, तो वो अपना काम खुद नहीं करेगा, उसको बोला जाएगा ये काम कर दो, वो ढूंढेगा कोई और उसका काम कर दे, और लास्ट मोमेंट तक ढूंढेगा कोई और करके दे दे, और वो राजा की तरह बैठा। तो ये स्लो मूवर, मतलब ये लेजी, किसी के काम में पंगे नहीं करेंगे, बट रॉयल आदमी है, रॉयल चीजें इनको पसंद है, ये रॉयली है, दे आर लिटरली वेरी रॉयल, सारे शौक मतलब बचपन से ही इनके शौक जो है वो भी रॉयल वाले ही है। सर ये आप हिंदी से बता रहे या सन साइन से बता रहे, मतलब असेंडेंट से देखेंगे ना? हाँ जी मैं असेंडेंट से बता रहा हूँ, मैं कोई हिंदी इंग्लिश नहीं, कोई लफ़ा नहीं, वो अपना ज़ोडियाक जो मंथ वाइज आता है वो नहीं है ना ये? अरे मंथ वाइज कुछ नहीं आता ज़ोडियाक किसी का, वो फिक्स्ड है, जो मंथ वाइज आता है वो प्रेडिक्शन आता है। हाँ राइट राइट, प्रेडिक्शन तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मंथ वाइज जो प्रेडिक्शन आती है वो एंटरटेनमेंट न्यूज़ है। हाँ राइट सर, उसको नहीं देखना, अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद भी वो देखेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं, नहीं सर नहीं देखेंगे, नहीं आप देखिए प्लीज देखिए, जिसको देख रहा है I can't stop you, but if you still want to see it, your choice, absolutely your choice, और बल्कि मैं तो चाहूंगा कि आप एस्ट्रोलॉजी पूरा करके खुद अपनी प्रेडिक्शन देना शुरू करें राशियों के हिसाब से, हर महीने की, हर रोज की, विच इज अगेन सॉफ्टवेयर जनरेटेड, तो उसमें कोई रॉकेट नहीं है, आप अपना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐड करके अपने आप दे सकते, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी, और वो भी 165-170 करोड़ लोग हैं एक राशि में, एक हाथ दो पे, मतलब व्हाटएवर यू से इट हैज इक्वल फेयर चांस ऑफ आइदर इट विल बी राइट और रॉन्ग, तो 50% राइट होगी, 50% गलत होगी, तो 50% लोगों पे तो ठीक बैठेगा ही बैठेगा चाहे जो मर्जी आप, और 50% पे गलत बैठेगा, आप बोल सकते हो। फिर आ गया छठा नंबर वर्गो, 6 नंबर इज सिमिलर टू जेमिनी बट दे आर नॉट टॉकिंग इन एयर, हवा में बातें थोड़ी कम करते हैं ये लोग, और ये कई सारे साइंटिस्ट और इनोवेशन वाले लोग जितने भी हैं उनकी ये असेंडेंट है नंबर 6, और ये प्रोफेसर वर्जिन आइडिया साइंटिस्ट प्रोफेसर टीचर ये सब बड़े इंटेलिजेंट लोगों का साइन है, और वर्गो जो है करियर ओरिएंटेड होते हैं, सक्सेस भी मिलता है इनको, काफी चूजी हैं, और अर्धी साइन डुअल फीमेल, इनका रूलर है वर्गो का रूलर है मर्करी, मर्करी। अब ये रूलर जो है ये लॉर्ड हम बोल सकते हैं, इनको लॉर्ड बोलना चाहिए क्योंकि हम आगे लॉर्डशिप्स पढ़ेंगे, जब हम लॉर्डशिप पढ़ेंगे तो फिर उसके लिए कौन इसका लॉर्ड है कौन क्या है तो हमें पता होना चाहिए किस तरीके से देखना। 7th साइन जो है वो बैलेंस लिब्रा, अब लिब्रा असेंडेंट है कोई? बिफोर आई से समथिंग, वर्गो था सर, अच्छा कन्या, वर्गो तो अच्छा है बट लिब्रा है कोई?
नहीं है, चलो लिब्रा वैसे जो भी असेंडेंट है सब पागल है, ठीक है। अब ये क्या होता है मतलब लोग लोग कहते हैं कि नहीं वो तो बड़े बैलेंस्ड लोग होते हैं, लिब्रंस आर वेरी बैलेंस्ड, क्योंकि उसका जो सिंबल है वो तराजू है, तो तराजू है राइट, तराजू की तरह बैलेंस होते हैं। और जो बिल्कुल अगर उनसे पूछो, कोई भी अगर ऐसे आपको बताए उनसे पूछो, आपको मालूम है कि वो मूवेबल साइन है, तो अच्छा मूवेबल साइन है, और आपको मालूम वो एरी है साथ में, एक तो एरी साइन दूसरा मूवेबल साइन, तो कैसे बैलेंस तो हो ही नहीं सकता। अगर असेंडेंट लॉर्ड इसका जब भी किसी का भी असेंडेंट लिब्रा है और वो अगर मान लीजिए असेंडेंट लॉर्ड, अभी बात करेंगे असेंडेंट लॉर्ड मतलब सातवें का जो लॉर्ड है वो है वीनस, वो अगर वीनस किसी भी मैलेफिक के साथ मतलब सैटर्न के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, किसी पे असेंडेंट वो है, तो सातवां नंबर असेंडेंट, तो वो आदमी जनरली मतलब एक तो इंटेलिजेंट होगा उसमें नो डाउट, इंटेलिजेंस का भी कारक है, लेकिन वो होगा पागल, मतलब उसको खुद नहीं पता वो क्या बोल रहा है कब बोल रहा है, और मतलब जैसे कहते हैं बिल्कुल मतलब ज्यादा अगर बिगड़ जाए उसके ये इसके लॉर्ड्स और उससे इसका सेवेंथ लॉर्ड अगर वीनस बहुत खराब है तो ये बंदा पागल भी हो सकता है। तो ये थोड़े पागलपन की निशानी है इसमें। और बिकम मैड सर, आपने लिखा है द नेटिव बिकम्स मैड, सो मतलब अगर वीनस इज बैड, इफ द लॉर्ड वीनस इज बैड, बैड की बैड की जो डेफिनेशन है ना वो थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, फिर तभी आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है मींस बैड में इट सिट्स इन द 6 8 और 12 यू मीन टू से, हां आइदर इट सिट्स इन 6 8 12 नहीं 6 8 12 नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स, अब वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा वीनस 6 8 12, वो समझना पड़ेगा कि कैसे हम उसकी रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं, और ये किसी मैलेफिक के साथ कंजंक्ट हो या एस्पेक्टेड हो इस तरीके से, तो और लेकिन ऐसा नहीं हमेशा पागल रहेगा, जब इसका टाइम आएगा, जब वीनस की दशा आएगी या अंतर दशा में वीनस आएगा तब, इट इज नॉट दैट कि वो हमेशा ऐसा रहेगा, अदरवाइज इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट साइन, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लोग, एरी साइन सारे इंटेलिजेंट, एरी सारे साइन इंटेलिजेंट होते हैं। फिर आ गया स्कॉर्पियो, द रिवेंजफुल रिसर्च ओरिएंटेड स्टिंग इन टेल, ये जनरली वही बोला था कि ये बदला जरूर लेते हैं, भूलते नहीं किसी को, और ये सेकेंड आफ्टर कैंसेरियन ये दूसरा इमोशनल साइन है, ये इमोशनल साइन है, बट ये आफ्टर कैंसेरियन इज द सेकेंड मोस्ट इमोशनल साइन, बट ये उतना इमोशनल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप उसकी लॉर्डशिप देखो तो कैंसर की लॉर्डशिप थी मून, तो मून तो आपने डांटा उसने वो रो दिया वहीं पे, और उस रोध होके आपको उसको चुप कराना पड़ेगा। स्कॉर्पियो ऐसा नहीं है, स्कॉर्पियो को आपने डांटा तो इसने रोएगा नहीं, क्योंकि इसका प्लैनेट, इसका रूलिंग प्लैनेट मार्स है, मार्स में बहुत पावर, मार्स तो एनर्जी का, ताकत का, आपकी सारी वायलेट वाइटैलिटी विगर सबको मालिक है, तो ये रोने नहीं देगा, तो ये क्या करेगा, ये सामने कुछ नहीं बोलेगा लेकिन पीछे से बाद में, और आपको भूलेगा भी नहीं, और पक्का बदला लेगा, और बदला लेके फिर आपके सामने ही रहेगा और डांस भी करेगा, जैसे स्कॉर्पियो बोलते ना स्टिंग, और मतलब अपना टेल से स्टिंग करता है और फिर डांस भी करता है काटने के, तो ये वैसे डांस भी करेगा और मजे भी लेगा, मतलब बेसिकली आपके से बदला लेने के बाद उसके पूरे मजे लेगा, तो वो दैट इज व्हाट स्कॉर्पियंस आर। आई डोंट नो, मैं तो नहीं लिया किसी से बदला, मैं वैसे एट वो है, बट यस काफी वही है कि अब इतनी सारी चीजें उसमें कुछ ना कुछ चीजें आपसे मैच करेंगी, कुछ चीजें नहीं मैच करेंगी, बट जनरली इट इज सेड बीवेयर ऑफ स्कॉर्पियंस। मोदी जी का भी आठ ही है स्कॉर्पियन ही, ठीक है। हाँ जी जितेंद्र जी, आप बोलिए, अनम्यूट करके आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। आप भी वही बोल रहा था, मोदी जी का भी असेंडेंट स्कॉर्पियो है, बिल्कुल स्कॉर्पियो, और फिर जब से मोदी जी का असेंडेंट स्कॉर्पियो है तब से एक चीज और बड़ी फेमस हो गई है सारे एस्ट्रोलॉजर के, उसमें स्कॉर्पियो में जिसमें मून है, ठीक है, जिसका असेंडेंट उनका स्कॉर्पियन मून है, मतलब तो राशि असेंडेंट भी स्कॉर्पियो, राशि भी स्कॉर्पियो, तो उसमें मून भी प्लेस है, मतलब तो वो बहुत ही जबरदस्त बड़ा ही पावरफुल योग बनाता है वो, तो जिनके भी यू है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज मतलब एनीथिंग विच वी से, सिंगल प्लैनेट वाली की प्रोबेबिलिटी ले लें, कुछ भी ले लें साइन की, इन सब की प्रोबेबिलिटी जो है करीब 7-8% जनता पे फिट बैठेगी, बहुत वेग होगा ये सब। मेरे को ना ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब ये लोग ऐसे बोलते हैं ना कि ये
ये वाला साइन तो ऐसा होगा, या ये साइन में मून बैठ गया तो सारी सक्सेसफुल होगा। अरे भाई कितने उस 12 हाउसेज हैं, 12 हाउस डिवाइड कर लो कितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में के सारे लोगों के साथ वही होगा। और हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम कोई मनोहर कहानियां नहीं पढ़ रहे। और एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसमें तीन तीन इनपुट लगते हैं, आप भाई उससे देख लो। अब न्यूमरोलॉजी वाला कोई बोले तो समझ में आती, क्योंकि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, एक डेट ऑफ बर्थ से क्या बताएगा। इसमें हम तीन इनपुट ले रहे हैं, कहाँ पैदा हुआ, एग्जैक्ट लोकेशन ले रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम ले रहे हैं, डेट ले रहे हैं, और फिर हम इतनी बड़ी रिसर्च करके उसके बाद कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी को जेनरिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जेनरिक बिल्कुल नहीं बताना चाहिए, मतलब कुछ भी जेनरिक नहीं है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, नथिंग इज जेनरिक, एवरीथिंग इज स्पेसिफिक टू द पॉइंट एंड एक्यूरेट, एंड एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट हॉरोस्कोप, एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट लाइफ, और हर एक की प्रेडिक्शन अलग है, हर एक का वो अलग है। तो हमें प्रेडिक्शन एक इंडिविजुअल को करनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी को जिस तरह इन्होंने लोगों ने जनरलाइज कर दिया ना, उतना इसके ऊपर से लोगों का ही फेथ खत्म हो गया, मतलब खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें करती है, तो दैट इज रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके स्कॉर्पियो को जनरलाइज कर दिया, तो मैं अपना डिफेंस दे रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं, मैं आई एम नॉट रिवेंजफुल, मुझे नहीं लगता मैंने किसी से रिवेंज लिया आज तक। तो खैर अब नौ, इट इज सैजिटेरियस, नंबर नौ, नंबर नौ का कौन है लॉर्ड, नाइन्थ हाउस का, इट इज रूल्ड बाय व्हाट, जुपिटर, 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 नौ बारह जुपिटर, दस ग्यारह सैटर्न, ऐसे हमें ये, हमें ये भी मतलब नहीं आगे चल के, हमें ये भी मतलब नहीं क्या सैजिटेरियस है, कौन सा वो है, उससे भी कोई लेना नहीं। तो सैजिटेरियस इज अ वेरी गुड साइन, वेरी गुड पीपल, तो भी अगर आपके दोस्त बन जाए सैजिटेरियस वाले, ये सबसे अच्छे दोस्त कहलाएंगे। दे आर क्विक एज अ हॉक, मतलब ये आपके लिए कहीं कभी, इज लाइक अ 2 AM फ्रेंड टू यू, रात को फोन करो, दिन में फोन करो, ये आपके साथ खड़ा रहेगा एंड लंबे टाइम तक खड़ा रहेगा। इट इज नॉट दैट कि छोड़ देगा बीच में, ना, वेरी गुड, वेरी लॉयल पीपल, वेरी वेरी दे आर विद यू ऑलवेज, कुछ भी काम करेंगे, कभी भी करेंगे। जुपिटर इनका रूलिंग प्लैनेट, कैप्रिकॉन थोड़े से बच के रहे इन लोगों से, कैप्रिकॉन वालों से, कोई है कैप्रिकॉन वाला, आपको बताया नहीं मैंने, हाँ सर, हाँ सर, मैं नहीं सब बता रहे, मैं दिक्कत क्या, मैं कैप्रिकॉन हूँ, उसको अनम्यूट करने में टाइम लग गया। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें क्या ये थोड़े से दिखावा ज्यादा करते, मतलब ये थोड़े जिसे बोलते ना क्रोकोडाइल टीयर्स, सर ये मेरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, मेरे से स्कॉर्पियो के सारे करते हैं मैच, ये मैच ही नहीं करता मेरा, ये मैच नहीं करता। चलो फिर एसेंडेंट, लेकिन फिर भी 10 है सर, कैप्री है एसेंडेंट 10, हां ठीक, कोई नहीं, वो तभी जब आप एडवांस करेंगे तो उसमें फर्स्ट टाइम रेक्टिफिकेशन कर लेंगे, क्या पता एसेंडेंट चेंज हो रहा हो, बट 3-4 घंटे का फर्क पड़ जाएगा उसमें अगर एसेंडेंट चेंज हो रहा है। ओके हां जी जितेंद्र सर, बोलते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, हां हां बिल्कुल, बेरूपी है ये, एकदम बेरूपी होती है ये, मतलब ये आगे दे आपको ब्लैकमेल करने के लिए आगे आंसू बहाएंगे और फिर उसके बाद वो, तो आप मत उसको करिएगा अपने ऊपर ज्यादा, इसको दिल पे, ये भी ज्यादा दिल पे लेने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट हाई हैंडेड डिवोशनल, ठीक है, बाकी सब ठीक है, मतलब मेन इनका वही, इनसे थोड़ा बच के रहना, ये जो है सामने ये एक्चुअल में वो नहीं होंगे। इनका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न, एक्वेरियस नंबर 11, ये भी इनका अगर आप साइन देखोगे एक्वेरियस का, कुंभ राशि, तो एक मटके से पानी गिरता हुआ जनरली, तो जनरली नोन एज थिंकर्स, हार्ड वर्कर्स, काफी अच्छी इंट्यूटिव पावर्स हैं, गुड जज ऑफ कैरेक्टर, लोनली, ओवर सेंसिटिव, इस तरीके के लोगों का, मतलब कोई खास इसमें एक्वेरियस वाले इज अ गुड साइन ओवरऑल, रूलिंग प्लैनेट सैटर्न। पाइसेस, अब दो तीन साइंस हैं, इनफैक्ट पाइसेस के ऊपर तो एक आप सभी के लिए, वैसे आप सब लोग देखना, सर्च कर लेना गूगल पे, एक देर वॉज अ आर्टिकल ऑन एस्ट्रोलॉजी इन टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कुछ था मिलेनियल्स एंड एस्ट्रोलॉजी करके, कोई तो आर्टिकल आया था आज से कुछ 6-8 महीने पहले आया होगा, या पता नहीं कुछ मे बी अयर बैक, देर वॉज एन आर्टिकल ऑन दिस विच सेड कि एस्ट्रोलॉजी इन इंडिया इज रफली अराउंड 12 बिलियन, यानी कितने बिलियन डॉलर इंडस्ट्री,
एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हो, प्रेडिक्टिव साइंस को, जिसमें कि अब आप इतने बन गए, इतने लोग हैं, एंड मिलेनियल्स आर हुक्ड ऑन टू एस्ट्रोलॉजी बिकॉज दे वांट टू नो. एंड मिलेनियल्स हियर इज पीपल हु आर बोर्न आफ्टर 2000 और मे बी 1995-1994. दे आर हुक्ड ऑन टू एस्ट्रोलॉजी, दे वांट टू नो एवरीथिंग बिफोर हैंड. काम करने से पहले काम का रिजल्ट चाहिए. तो ये ऐसी ऐसी जनरेशन है, इनको चाहिए. और ये लोग बड़ा ही फॉलो करते हैं सारे सन साइंस और सब चीजें. इनफैक्ट दे पीपल जनरली मतलब दे डोंट गो ऑन अ डेट इफ समबडी इज अ पाइसियन. ठीक है, तो ये इस तरीके से मतलब वो अपना डेट का डिसाइड करेंगे, किसके साथ जाना है, किसके साथ दोस्ती करनी है, उसके लिए भी सन साइंस देखते हैं, अपने सन साइंस की कंपैटिबिलिटी देखते हैं. अब ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, और ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपको खुद नहीं मालूम होगा कि ये भी एस्ट्रोलॉजी की ऐप है, इससे भी पता लगता है. बट वो दे आर यूजिंग दोज ऐप्स एंड दे आर यूजिंग दोज इंफॉर्मेशन वट एवर दे इज अवेलेबल. तो ये विच इज अ गुड साइन, मतलब दोनों ही चीज़ें अच्छा पढ़ के अच्छा लगेगा कि यू आर इन राइट प्रोफेशन इफ यू विश टू मेक इट एज अ प्रोफेशन. ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रोफेशन बनेगा, और क्योंकि बहुत स्कोप है और सारा अनऑर्गेनाइज है, और सबसे बड़े मजे की बात इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और इस पर कोई लीगल वो नहीं है इम्प्लीकेशन. आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी राशि के बारे में कुछ भी, कोई प्रेडिक्शन दे दो किसी को, कोई आपको लीगली आके इसको आपको केस नहीं कर सकता, विच इज अनफॉर्चुनेट पार्ट, बट यस इट इज देयर. सो पाइसिस इज डिफिकल्ट. ये आप सबसे पहले बंदा छोड़ के भाग जाएगा, आपकी लड़ाई होगी या आपके साथ होगा, ये पता भी नहीं चलेगा कब गायब हो गया साइड से. So he is the person who would is a bad friend. ये बहुत डरपोक है, सब ये पहले भागेगा मतलब. और ये इनकी आदत होती है किसी भी जगह से किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने में बिल्कुल बहुत उस्ताद है, बड़ी जल्दी निकल जाएंगे बाहर. और इनको इनको नॉट ट्रस्टवर्दी साइन, बेसिकली ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉमिसेस तोड़ते हैं अपने, इसलिए ये पाइसिन इसमें. इसका रूलर जुपिटर. अब हम पढ़ेंगे इनको, हमने देखना कैसे अपनी कुंडली के अंदर, ये तो अभी तक हमने पढ़ लिया. मैं आपको एक सिंबल्स बता देता हूँ, एरीज में नंबर देता हूँ ज्यादा आसान. ये एरीज का सिंबल है, ठीक है. टॉरस ऐसे बनाते हैं, जेमिनी ऐसे हैं. ये मैं इसे बता रहा हूँ कि आप लोग अगर बना लेंगे या लिख लेंगे इसको, आप कहीं देखें या कुछ है, यू शुड नो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. नथिंग कैंसिल दिस. नंबर पांच इज Libra is Scorpion is Sagittarius is Capricorn. These are symbols, जो हम नंबर डालते हैं. अगर आप किसी के सामने कुंडली में सिंबल्स डाल दें, सामने वाले को किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, बट ये सिंबल्स जिनको पता होंगे भाई, this just gives an impression that you are, you know a lot. In even in the astrology fraternity, अब जब से सॉफ्टवेयर आए हैं, लोगों को सॉफ्टवेयर खोलते ही सॉफ्टवेयर के अंदर ही देखने की आदत होगी, ये सब चीजें देखने की आदत. ये पुराने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स होंगे उनको पता होगा, मैं हमारे स्टोरी यूज ही नहीं करता, बट यस दिस इज समथिंग विच शुड नो. मतलब एक पता होना चाहिए. बिल्ले आपने बना लिया सारे, कर लिया. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें. हम
सिंबल हो गए। अब हम करेंगे बात, अभी तक हमने नीचे जो उसमें चीजें लिखी हुई थी, हमने उसमें बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो राशियों के, ठीक है, वो क्या राशियों के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें नेचर ऑफ ईच साइन, मतलब तीन तरीके की राशियां हैं, ये होती है मूवेबल, मतलब जिसे हिंदी में लिखते हैं चर राशि, फिर फिक्स्ड जिसे बोलते हैं स्थिर, और डुअल, डुअल की हिंदी ठीक ठीक शायद द्विमुखी, द्वि स्वभाव, हाँ द्वि स्वभाव, द्विमुखी, पता नहीं क्या क्या है वो सब चीजें, मतलब डुअल मतलब दो डायरेक्शन में, ठीक है, फिक्स्ड एंड मूवेबल। अब इसके बाद द्वि स्वभाव, चलो मूवेबल फिक्स्ड डुअल, ये बड़ा सिंपल, 1, 4, 7, 10 फिक्स्ड, 2, 5, 8, 11, 3, 6, 9, 12 ये राशियां मूवेबल फिक्स्ड डुअल इन तीनों में। अब इनका क्या मतलब है कि फिक्स्ड है, मूवेबल है, डुअल है, ये इनका स्वभाव है, मतलब स्वभाव मतलब इन राशियों का स्वभाव। अब किसी भी राशि का स्वभाव समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले समझना पड़ेगा आपका कहां कौन से उसमें देखनी है, हमने किस हाउस में देखनी है, किस कौन सी राशि देखनी है आप, क्योंकि असेंडेंट हमने पढ़ लिया, असेंडेंट में कोई बहुत ज्यादा हमें मतलब लगा कि ठीक है जेनरिक सी इन्फॉर्मेशन है, कोई खास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है भी नहीं, जेनरिक इन्फॉर्मेशन ही असेंडेंट की, और सनसाइन भी, सनसाइन भी आपको मालूम है, सबको मालूम है, ये अब थोड़ी हम फ्रॉम जेनरिक टू स्पेसिफिक मूव कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले देखना आपका लग्न, मतलब आपका फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठ, कौन सी राशि में, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने अगर फर्स्ट हाउस आपका लियो साइन है या मरकरी, मतलब लियो साइन है तो उसका लॉर्ड हो गया सन, सन कौन से हाउस में बैठा है, वो उस हाउस में कौन सी राशि है, तो कौन सी राशि में सन है वो आपको चेक कर, तो लग्न लॉर्ड किस राशि में बैठा है, मूवेबल में बैठा है, फिक्स बैठा है, डुअल बैठा है। मूवेबल का मतलब हो गया सिंपल, मूवेबल हमें समझ में आ गया, मूवेबल मतलब मूवमेंट करने वाला, चलने वाला, तो ये मूवेबल है, ये ऑलवेज ऑन द गो, ठीक है, मूवेबल हो गए, पूरा मूव मूव करता रहे। फिक्स्ड मतलब स्थिर, मतलब अड़ियल, आपने बोला ना ये बंदा बड़ा अड़ियल है, एक बार जो रिजिड है, रिजिड है, एक बार जो सोच लिया वो वही वही करेगा, कुछ और नहीं करेगा, ये फिक्स्ड हो। डुअल इज, डुअल ऐसा नहीं है कि कभी फिक्स्ड है कभी वो है, ऐसा नहीं है, डुअल की डेफिनेशन बड़ी क्लियर है, बाकी बहुत सारी दुनिया यही बोलती है कभी ऐसे दोनों, कभी फिक्स रहेगा कभी मूवेबल रहेगा, नहीं इसके वैसे कई में मतलब है, बट जो बेसिक सबसे सही जो एक्सप्लेनेशन है वो यही है कि प्लैनेट उसका डिग्री आपको देखना है, जो भी प्लैनेट इसमें है आपके जो लग्न लॉर्ड की डिग्री क्या है, मतलब डिग्री 0 to 30 degrees के बीच में होते हैं सारे प्लैनेट, तो अगर वो फर्स्ट 1 to 15 degrees के बीच में है तो वो फिक्स्ड है, डुअल को हम फिक्स की तरह पकड़ेंगे, और 15 degrees से 30 degrees के बीच में है तो वो हम मूवेबल पकड़ेंगे इसको। अब आप सब लोग अपने अपनी कुंडलियों में देखें आपके लग्न लॉर्ड किस राशि में बैठे। सर जेमिनी, जे लग लग लॉर्ड जेमिनी में, कैंसर, इट्स इन द सेम हाउस, अच्छा इट्स इज द सेम हाउस, तो मतलब बट इन कंजंक्शन विद मार्स, बट नहीं नहीं कुछ वीनस, मतलब मरकरी इज इन फर्स्ट हाउस, तो अब ये मूवेबल है कि जेमिनी, मतलब जेमिनी वगैरह पर बताओ मूवेबल है फिक्स्ड है, ये सब देखो, इट विल बी फिक्स्ड डुअल है, वन डिग्री, सो डुअल है जी, जिसका डुअल कोई बात नहीं, फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है, डुअल है तो डुअल आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सी डिग्री, उसका प्लैनेट का डिग्री कितना है, 1 टू 15 के बीच में कि 15 टू 30 के बीच में। सो वन क्वेश्चन नाउ, माय राइट और माय असेंडेंट इज मर्क्यूरी, दैट इज कन्या, एंड मर्क्यूरी इज द लॉर्ड, सो इट इज सिटिंग इन द सेम हाउस, इन द फर्स्ट हाउस, ओके, तो ये क्या डुअल में आ जाते हैं या मूवेबल में आ जाते हैं फिर?
कौन से मतलब मरकरी आपका किस वर्गो है ना? हाँ वर्गो इज ड्यूअल तो मरकरी, हाँ तो मरकरी का आप डिग्री चेक करो क्या है? इट्स वन डिग्री, वन डिग्री ना तो वो फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड हो गया वन डिग्री यू ट्रीटेड एज फिक्स्ड. सॉरी मैंने गलत देखा, मेरा साजी में है मेरा लग्न लॉर्ड एंड और वो उसकी डिग्री है 22 degrees. 22 degrees तो वो मूवेबल है. ओके बट अगर वो कंबस्ट है तो उससे कोई फर्क नहीं आएगा? देखो ये कंबस्ट से कोई फर्क नहीं आएगा, किसी भी चीज से फर्क नहीं आएगा, इसका भी फर्क नहीं आएगा. ये तो जो हम पढ़ रहे हैं ना ये जस्ट आई एम टेलिंग यू सो दैट आपको बेसिक पता होना चाहिए. एडवांस पढ़ेंगे तो हम ये सब कुछ देखेंगे. ठीक है सर, मुझे एक चीज क्लियर नहीं हुआ. जैसे मेरा लग्न लॉर्ड जो है वो 10 है, वो उसमें एसेंडेंट में बैठा है, तो सर मुझे नंबर 1 देखना है वो कहाँ बैठा हुआ है? फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर है? फर्स्ट हाउस में 10 है सर. 10 10 का लॉर्ड कौन सा है? सैटर्न. अब सैटर्न शनि जो है वो कौन सा हाउस में बैठा है? सर सैटर्न शनि बैठा हुआ 6th हाउस में. 6th हाउस में नंबर कौन सा है? 6th हाउस में नंबर 3 है. नंबर 3 तो आपका six. जेमिनी में कन्या राशि 6. नहीं नहीं वो 6th हाउस में बैठा है ना जेमिनी. ओके सर. तो सर अब मुझे जेमिनी की डिग्री देखनी है. नहीं जेमिनी कोई डिग्री नहीं देखनी, जेमिनी ड्यूअल है ना. जी सर. अब ड्यूअल है तो उसमें सैटर्न जो बैठा हुआ है उसकी डिग्री देखनी है. ओके वो लिखा होगा उसमें जैसे हर एक उसमें लिखा होता है. हाँ सर सैटर्न का डिग्री इसमें 10 degree दिया हुआ सर. हाँ तो वो फिक्स्ड हो गया. सर अगर मोर देन वन प्लैनेट है तो कोई बात नहीं, आपने तो जो लॉर्ड है उसको देखना. अच्छा मोर देन उसको मोर देन वन प्लैनेट सर वो फिक्स्ड कैसे हुआ सर? फिक्स्ड का तो 15 to 30 होता है ना? नहीं नहीं 1 to 15 फिक्स्ड है, 15 to 30 मूवेबल. ओके ओके ठीक है. अब जो फिक्स्ड है जितने लोग भी फिक्स्ड वाले लोग हैं, फिक्स्ड वाले ज्यादा लोग हैं यहाँ, मतलब सबके सब थोड़े अड़ियल टाइप के लोग हैं. ठीक है मतलब एक बार जो कमिटमेंट दे दी तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनते टाइप्स, उस टाइप के लोग. ठीक है तो जो असेंडेंट लॉर्ड, हाँ असेंडेंट लॉर्ड जहाँ पर भी बैठा है अगर मूवेबल है, मतलब इन लोगों के लिए जो फिक्स्ड लोग हैं इनके लिए मूव कर पाना आगे, मूव ऑन होना किसी भी चीज से बड़ा मुश्किल है. फिक्स्ड मतलब तो फिक्स्ड, हर चीज फिक्स्ड, मतलब सभी चीजें लाइफ में फिक्स्ड ही होगी. मतलब इनको नौकरी भी एक ही जगह करें तो अच्छा है, एक जैसी नौकरी चलती रहे ठीक है, या एक जैसा काम रहे ठीक है. मूवमेंट करने में तकलीफ होगी, बोल तो यहाँ से उठ के उधर जाना. इम्पोर्टेंट फैक्टर. हाँ डिग्री इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड व्हेदर इट इज फिक्स्ड और मूवेबल. नहीं इन ड्यूअल साइंस ओनली, इन ड्यूअल साइंस ओनली, ओनली इन ड्यूअल साइंस ओनली, ओनली इन ड्यूअल साइंस. बाकी तो क्लियर है. Okay, yeah, is... मोदी जी हमारे फिक्स्ड हैं. Okay. 8वां स्कॉर्पियन है, फिक्स्ड साइन, मतलब ये तो उनकी फिक्स्ड है वो लग्न फिक्स्ड, तो वो फिक्स्ड ही रहेंगे. वो उन्होंने एक बार एक कमिटमेंट दे दी, एक फैसला ले लिया, नोट बंद कर दिए तो कर दिए. ठीक है तो दैट इज व्हाट फिक्स्ड साइन वुड बी. फिक्स का मतलब बंदा ही फिक्स्ड हो गया, वो उसको हर चीज फिक्स्ड ही ठीक लगेगी, उसके लिए मूवमेंट परेशानी है. तो अगर फिक्स्ड वाले को अगर मान लो कोई सेल्स जॉब मिल जाए और उसको बोले भैया ट्रैवल बहुत है, तो वो कहेगा यार कहाँ, नहीं इट इज इम्पॉसिबल, उसको हर बार ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होगी हमेशा. सो ही बिकॉज ही इज अ फिक्स्ड साइन, उसको एक जगह बैठ के काम करने आ रहा है. आपने बच्चे भी देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं होते ना जिनको आप बोलते हो चुपचाप बैठो एक जगह. आजकल हालांकि आसान है, मेजोरिटी ऑफ देम आर फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी, बिकॉज उनको आप कोई भी गैजेट दे देते हैं वो एक जगह बैठ जाते हैं. ठीक है वो बात अलग है. अदरवाइज अगर वो मूवेबल साइन का बच्चा है, लग्न लॉर्ड उसका मूवेबल है, तो वो एक जगह बैठेगा नहीं, वो कूदता रहेगा, शैतानियां करता रहेगा, भागता रहेगा. और जैसे अगर मूवेबल साइन वाले को अगर कभी मान लो गलती से कोई ऑफिस जॉब मिल जाए कि एक जगह बैठ के काम करना, वो बैठ ही नहीं पाएगा सीट पे, उस सीट पे बैठ ही नहीं पाएगा. तो आई एम टॉकिंग अबाउट Not ascendant का sign, ascendant के lord का sign. Ascendant sign तो हमने बात कर ली भी कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्या अपने वो. ये ascendant का lord देखना हमने, which was very generic. Ascendant was very generic, but ascendant lord जो है वो हर एक का अलग अलग houses में ही होगा. ठीक है not necessary अगर scorpion ascendant है तो उसका lord जो है हर एक का
थर्ड हाउस फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस में होगा, सबका अपना अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन द टाइम। तो वो आपने चेक करना, जो भी असेंडेंट है उसका लॉर्ड जिस भी हाउस में है वो उस बंदे का वो मूवेबल है, फिक्स्ड है, उसको हर चीज लाइफ में उसकी सोच से लेके मेंटल फैकल्टी से लेके उसका एक्चुअल बिहेवियर चीजें भी उसको मूवेबल ही पसंद होगी या तो फिक्स पसंद होगी, दो ही चीजें। हमने उसमें भी डुअलिटी में भी कंफ्यूजन हटा दी कि आप 1 से 15 फिक्स देखो, 15 से 30 मूवेबल देखो, तो वो भी खत्म होगी कहानी। ये हो गया कहानी, 15 डिग्रीज आ गया तो, 15 डिग्रीज आ गया तो वो जनरली फिक्स ही आएगा, वो ऐसा होता नहीं, 15 पॉइंट कुछ होता है। अच्छा ओके, एग्जैक्ट 15 बड़ा मुश्किल है, मुश्किल है। 15.01 15.02 कंसीडर एज फिक्स्ड ऑफ द मूवेबल, बड़ा रेयर है। मतलब रेयर क्या मतलब, मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज आपने कर ली फिक्स ऑफ मूवेबल, ये बड़ा उस तरीके से इंटरेस्टिंग। अब जिसमें इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं सारे हाउसेस के बारे में, हर हाउस के बारे में पढ़ सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपका लग्न लॉर्ड जो है वो फोर्थ हाउस में है, या आपका फोर्थ हाउस लॉर्ड, हर हाउस का एक अपना लॉर्ड, अपने हाउसेस के सिग्निफिकेंस पढ़ लिए थे सारे, हाउस किससे किस पे स्टैंड करता है। अब हाउस, हर हाउस का लॉर्ड कौन से साइन में, उससे आपको पता लग जाएगा उस हाउस के रिलेटेड चीजें जो है। जैसे मान लीजिए किसी का फोर्थ हाउस का लॉर्ड मूवेबल राशि में, तो फोर्थ हाउस किसका किस चीज को बताता है, मदर को। फोर्थ हाउस बताता अपने घर को, मदर और लक्ज़रीज़, हाँ घर को बताता, प्रॉपर्टी को बताता अपने। तो मतलब सिंपल है, अगर फोर्थ हाउस मदर, तो मदर कुड बी वर्किंग और मदर ने बहुत ट्रैवल किया हो, वो पॉसिबिलिटी है। या फिर उस बंदे ने अपने घर बहुत बदले हुए, जो फोर्थ हाउस है तो एक जगह रुक टिक नहीं सकता, उसने अपने घर बहुत बदले। सेम चीज अगर 10th हाउस हमारा प्रोफेशन का हाउस, तो अगर प्रोफेशन में का लॉर्ड 10th हाउस का लॉर्ड मूवेबल साइन में आ गया, तो इसका मतलब हो गया उसने प्रोफेशन बहुत सारे बदल लिए, ठीक है। अगर 9th मतलब 9th हाउस ले लो, या आप 8th हाउस ले लो, 8th हाउस ऑकल्ट का 6-8-12 में तो ज्यादा बीमारी वाला भी अगर आप ले लेंगे, तो ये रिलेटेबल है। इन सबको आप रिलेट करके देख सकते हैं किस हाउस का आदमी, अगर 7th हाउस मूवेबल है या 7th हाउस में तो बिजनेस को ट्रैवल वाला कर रहा होगा, या 6th हाउस अगर मूवेबल है आपने कर लिया तो जॉब मूवेबल रही है, या तो वो मूवेबल चीजों का काम करेगा, मतलब या तो ट्रैवल इंडस्ट्री में होगा ट्रैवल वाला काम करेगा, या उसकी जॉब में बहुत सारा ट्रैवल होगा, आइदर वे। तो ये चीजें आप सारे हाउसेस के लॉट के साथ चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ कौन से साइन में, एंड देयरफॉर उसका क्या रेलेवेंस आपकी लाइफ में है। जब आप एक बार चेक करेंगे तो आपको खुद ही थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इसको पढ़ना कैसे, साइंस को कैसे पढ़ना है। ये काफी रेलेवेंट और आपको काफी हद तक ये सही मिलेगा अपने अपने ऊपर। और सबसे पहले आप अपनी ही कुंडली देखिएगा, तो बहुत लोग ऐसा ही बोलते हैं कि अपनी कुंडली हम नहीं देख पाते कभी भी, वो इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम अपने लिए गलत नहीं देख सकते। अगर फॉर एग्जांपल अगर 8th हाउस में आ गया तो क्या होगा, बिकॉज दैट 8th हाउस इज ऑफ लॉन्गेविटी एंड मूवेबल आ गया, तो उसमें 8th हाउस मूवेबल आ गया तो 8th हाउस में और बहुत सारी चीजें आती है ना। अच्छा बाकी का जो बाकी और कौन सी है जो चीजें आ रही है वो आपने देखनी पड़ेगी, ये और कौन कौन सी चीजें। लॉन्गेविटी डेथ नहीं देख सकते आप, अगर आप कुछ उससे रिलेट करना था क्योंकि वो तो हमें पता नहीं है, हम तो जो हो चुका है वो देखने वाले हैं, फ्यूचर है उसके बारे में थोड़ी देख रहे हैं। आप तो अपना बेसिक चेक कर रहे हैं कि अभी क्या है और बाकी चीजें क्या है। तो 8th हाउस अगर आता है, 8th हाउस में भी आता है तो हम मतलब मूवेबल साइन है तो आप किसी चलते हुए मरेंगे, फिक्स साइन है तो आप एक जगह बैठ के मरेंगे, जिस टाइप से होगा। तो बट इट इज आई मीन सी डेथ इज सर अगर 10th हाउस में आया है फिक्स तो क्या मतलब हुआ, उसका मतलब एक ही जॉब में रहेगा, आपको प्रोफेशन एक ही करना रहेगा, एक ही काम सूट को, मतलब एक काम में आपको बताएगा बस, काम आप बदलेंगे नहीं, प्रोफेशन आपको एक ही सूट करेगा। मतलब आप एक प्रोफेशन में आपके वो बात अलग है कि ऐसा मौका मिले आपको चेंज करने पड़े बहुत, लेकिन आपका इंटरेस्ट होगा कि एक काम में लंबे टाइम तक टिक के करें, एकदम फिक्स रहे।
लंबे टाइम से टिकना पसंद है, और जो मूवेबल है उसको हर 3 महीने, हर 3 साल, 4 साल में नौकरी बदलने का मन करेगा। अरे हटाओ यार, चेंज करो उसको, बोर हो गए, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं चीजों से। तो ये फिक्स और मूवेबल और ड्यूएल की कहानी है, इसको आप और मतलब हर हाउस के रिस्पेक्ट से भी आप सब चीज देख सकते हैं। अब एक और इसी उसमें, अब हम दूसरे प्लैनेट की बात करेंगे जो वरना अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, विच इज सन। हमारे उसमें दो प्लैनेट हैं, ये 3 प्लैनेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इनकी राशियों के बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे इनके इनके नेचर के प्लैनेट के बारे में बात करेंगे। आज हम प्लैनेट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ प्लैनेट किस राशि में उसकी बात कर रहे हैं। तो प्लैनेट, दूसरा प्लैनेट है सन, विच इज योर, जिसको हिंदी में बोलते हैं आत्मकारक, मतलब आपका सोल का पर्पस। तीसरा प्लैनेट है मून, मून डिनोट्स योर माइंड। तो अब ये सिंपल है, इसमें हाउसेस नहीं, अब ये कौन सी प्लैनेट्स कौन सी साइंस में है, मूवेबल में है, फिक्स्ड में है, ड्यूअल में है, ये आप चेक करो दोनों, ये दोनों भी। मून इज कमिंग अंडर मूवेबल एंड सन इज कमिंग अंडर फिक्स्ड। सन इज कमिंग अंडर फिक्स्ड, ओके। तो मून इज कमिंग अंडर मूवेबल एंड ये लग्न लॉर्ड किसमें था, फिक्स्ड में था, मूवेबल में था? मूवेबल उसमें 4 में आता है ना, मतलब मून, बिकॉज़ मून इज द 4th हाउस राइट एंड सन इज द 5th हाउस। वो छोड़ो, फिर ये बताओ कि हां मतलब 4 और 5 साइन है। वो छोड़ो, सन एक्चुअल प्लेस्ड कहां पर है, सन लॉर्ड नहीं, सन की प्लेसमेंट कहां है, किस हाउस में, उसमें कौन सी राशि है, उसमें राशि कौन सी है? सन ही है ना सन में राशि, मेरे में एरीज है। सन में एरीज है, सन में मेरे में कुछ, मेरे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कैसे हो सकता, नो प्लैनेट, ओनली 5th हाउस इज एम्प्टी, लाइक नो हाउस थोड़ी देखना है, अच्छा सन देखना, सन सन। अभी हमने देखा लग्न लॉर्ड कहां पे बैठा है, वो अलग होगी कहानी, पता अब हमें सन देखो, अच्छा सन इज सिटिंग इन व्हिच हाउस, यू डिस सन, सन इज सिटिंग व्हिच राशि, व्हिच अ 12th हाउस इज, राशि कौन सी उसमें, उसमें साइन कौन सा, अरे यार नंबर कौन सा लिखा हुआ है, सन का ये 12th हाउस में मेरा, अरे तो उसमें नंबर कौन सा है, वो नंबर था ना, 6 नंबर था ना पहले, तो उसमें 5 होगा उसमें, हाँ 5 है वहाँ पे, 5 है ना, तो 5 इज व्हाट, 5 इज fixed, 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 yeah, okay, got it. Sun is fixed, ठीक है, moon, moon कहाँ पर है ऐसे, moon check करो, moon 8th house है, 8th house, हाँ, तो ये 6th का लग रहा है, 8th house में है, तो count करो 6 से, तो number कौन सा है, 1, 1, यानी 1 कौन सा है, movable, movable. तो ये है आपका मन, तो करता है मन आपका घूमने का करता है, लेकिन आप घूमने पाते नहीं, घूमने के मौके नहीं मिलते, मन बहुत, यू वुड प्रोबब्ली ड्रीम ऑफ यू नो गोइंग टू प्लेसेस बट यू कांट गो, वेरी ट्रू, बिकॉज़ ज्यादा चाहते लेकिन कोविड के चक्कर ज्यादा फंस पाओ, नहीं कोविड छोड़ो, उससे पहले भी नहीं जा पाए, उससे पहले भी नहीं, तो जा पाए हम लोग, ऐसा नहीं, एक दो बार गए थे बट मन तो ज्यादा टाइम किया ना, मैं एक होता है कि आदमी का मन करता है, सी I'll explain it this way. कई बार होता है जैसे मन किया आपका, so you just go, you don't even plan, you just go. अभी क्या है, अभी sun fixed है, ये सब fixed है, दो चीजें fixed हैं, इन 3 चीजों में से 2 चीजें fixed हैं. तो 2 चीजें fixed हैं, यानी you are a fixed personality, but your mind is not fixed. Mind wants to move, but your body won't, your soul won't. Okay. Right, and you, your personality would not allow you to move. तो वो देर इज अ कंफ्यूजन, ओके गॉट इट, परफेक्ट, हां तो माइंड विल से कि हां चलो हर बार चलते हैं कहीं घूमने, फिर वो बॉडी बोलेगी नहीं पहले प्लान करो, फिर इसको ठीक से प्लान करना चाहिए, हर चीज प्लान होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि, जबकि अगर मूवेबल होता है, जब बंदा मूवेबल साइन में होता, माइंड मून भी मूवेबल होता, लग्न लॉर्ड भी मूवेबल होता, तो बंदा कहता कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैंने तो गाड़ी उठाई चला गया, होटल है कि नहीं है चेक कर लेंगे, देख लेंगे कहां पे, इंपॉर्टेंस फॉर देम इज going, moving, this is not your important, then, तो आप ये तीनों planets सब लोग अपने अपने आप check करेंगे, तो आपको पता लगेगा
कि आप मेरे तीनों द्वि स्वभाव में है। हाँ बट तीनों द्वि स्वभाव में तीनों के वो क्या है डिग्रीज क्या है? डिग्रीज 15 से ज्यादा है तो तीनों मूवेबल हो गए ना फिर तीनों। सर सन मून और कौन सा चेक करना है? लग्न लॉर्ड। लग्न लॉर्ड अगर लग्न लॉर्ड इन दोनों सन और मून में से कोई है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता वही से वही ठीक। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर मेरा सन 10th हाउस में है। हाँ मेरा सन 10th हाउस में है एंड वहाँ पे नंबर लिखा हुआ 7 दैट इज लिब्रा। हाँ जी बिल्कुल। तो सर मैं इसका सन का मैं डिग्री चेक कर सकता हूँ? मूवेबल लिब्रा का मूवेबल यस सर। ठीक है लिब्रा में डिग्री नहीं चेक कर लिब्रा मूवेबल। ओके एंड सर सर मेरा मून है 4th हाउस में। 4th हाउस में कौन सा नंबर लिखा है? 4th हाउस में नंबर लिखा हुआ 1 सर। 1 एरीज वो भी मूवेबल मूवेबल यस सर। और लग्न लॉर्ड कहां पर है? लग्न लॉर्ड 10th हाउस में सर। 10th हाउस में वो 10th हाउस में कौन सा सा वो भी मूवेबल मूवेबल। तो आप एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते आपको घूमने का आपको काम भी अलग अलग करने का आपकी लाइफ में मूवमेंट जो है ना वो मूवमेंट चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग इन योर लाइफ। ओके ठीक है मतलब आपको चेंज चाहिए ही चाहिए। आप अगर आप एक जगह आपको रोक दिया गया ना जैसे पानी के बहाव को एक जगह रोक देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है फिर ये वाला है। तो ये मतलब मूवमेंट इज द ओनली इज योर और सन और लग्न फिक्स्ड है। हाँ तो बस अब ये मन करता मन चंचल है चंचल बट रुकना पड़ता है बट अब वो कर नहीं सकते वही लॉय की तरह वही है सर। लेकिन मेरा जो लग्न एसेंडेंट लॉर्ड था सैटर्न सर वो तो फिक्स साइन है तो सर उसका इससे कैसे कनेक्शन निकालेंगे? नहीं तो एसेंडेंट फिक्स्ड है और मून अगर तो मून इज मन या मून इज मन या हाँ तो मन मतलब मन आपका जो है मन तो चंचल है ठीक है तो मन तो आपका इधर उधर भटकेगा बट आप फिक्स्ड है तो आप इसलिए मन की कुछ ज्यादा सुनेंगे। ओके आंसर सन भी तो मूवेबल है सर इसमें सन भी मूवेबल है तो फिर आप थोड़ा सुन लेंगे तीन में से लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हमें लग्न लॉर्ड को ही देनी सर। मैंने चेक कर लिया वो सन एंड मून का मतलब दोनों डिग्रीज 20 डिग्रीज आ रहे हैं। बस बढ़िया तो उस दोनों ड्यूअल में हां मतलब सन 5th हाउस मतलब ऊपर जो 12th हाउस है 5 नंबर है तो उसका 20 डिग्रीज आ रहा है। ठीक है तो फ्री हो गया ना आपका फिर मूवेबल ही हुआ राइट। हां मूवेबल ही हुआ फिर मूवेबल। सर मेरे को एक चीज क्लैरिफाई करना है जैसे अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग सन देख रहे हैं और वो जिस घर में उस घर में कौन सा नंबर है वो देख रहे हैं और नंबर फिक्स्ड है कि मूवेबल है बस वो देख रहे हैं। हाँ तो उसमें असेंडेंट और सन फिक्स्ड है और मून मूवेबल है। मून मूवेबल है वो सेक्टर वो फिक्स है ना तो वही असेंडेंट और वो सबसे इंपॉर्टेंट हमने असेंडेंट को देनी है। हाँ तो अब असेंडेंट हाँ तो मतलब आपको फिक्स्ड वाला ही चलेगा। मन चंचल है मन भटकेगा भटकेगा तो सर सभी का चंचल है। नहीं एक होता ना मन चंचल है लेकिन उसको भटकने का मौका नहीं मिल रहा चंचल तो है लेकिन वो इधर घूम रहा है बट वो आपको एक्चुअली घूम ही रहे। जिनका लगन लॉर्ड मूवेबल है जिनके तीनों मूवेबल है फिर वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते। तो सर इसका रेमेडी क्या होता है? क्योंकि कुछ कुछ मेंटल पेशेंट ऐसे ही होते हैं जिनका सब चीज मैं रेमेडी नहीं है ये आपकी सेटिंग है। अच्छा वही वाली बात है मैंने बताया आपको जैसे न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं आप डेस्टिनी आठ वाले की क्या रेमेडी है? अरे बाबा उसकी सेटिंग है बेसिक है आपका तो वो थोड़ी ना जिंदगी भर वैसे ही आवले भावले रहेंगे मतलब अस्थिर रहेंगे अस्थिर जिंदगी भर अस्थिर रहने मेडिटेशन करो। नहीं कोई मेडिटेशन नहीं करो कुछ नहीं करो कोई जिंदगी भर अस्थिर वाली बात ही नहीं है। नेचर है उसका पानी का नेचर है बहना तो बहेगा। अच्छा। नेचर है उसका नहीं उसमें कुछ नहीं आप उसमें थोड़ी उसे आपको बोलो जिंदगी भर थोड़ी ना पानी बहता रहेगा। अरे उसका नेचर है उसको रोकोगे कैसे? लग्न लॉर्ड फिक्स्ड है एंड सन एंड मून आर लाइक व्हाटएवर लाइक मूवेबल रहेगा।
मन करेगा उसका मूव करने का, बट वो फिक्स ही रहेगा, फिक्स ही रहेगा, वो लग्न लॉर्ड की सुपरसीड नहीं करेगा, वो दैट लग्न लॉर्ड सुपरसीड्स एवरीवन। अच्छा लग्न लॉर्ड सुपरसीड एवरीवन, इवन दाउ दैट मूवेबल 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 वो भी, बट अगर वही दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना फिर लग्न लॉर्ड में मन में, तो वन परेशान रहेगा, इसीलिए कंफ्यूजन, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन, ओवर एंग्जायटी, एंग्जायटी सब ज्यादा, एंग्जायटी वो सब ज्यादा चलेगा, वही आपके 777 777 दिख रहे सर। मुझे एक चीज अभी भी क्लियर नहीं हुआ है सर, अभी जैसे हम लोगों ने लग्न एसेंडेंट देखा था, तो उसमें आपने कहा था कि सैटर्न का डिग्री 10 है इसलिए वो फिक्स साइन है, लेकिन सिंस वो नंबर 10 है इसलिए वो मूवेबल भी हो गया सर, डिग्री से वो फिक्स्ड हो रहा है लेकिन वैसे मूवेबल हो रहा है, फिर आपने डिग्री देखने की। अच्छा नहीं सर, आप इसके पहले आपने डिग्री देखने कहा था ना, उसी डिग्री डुअल वाले में देखो, आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं, आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। आपने कहा आपका जो लग्न लॉर्ड है सैटर्न 10 का लॉर्ड है, ठीक है जी, सैटर्न कौन से हाउस में बैठा है? सिक्स्थ हाउस में सर, सिक्स्थ हाउस में ना जी जी, उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है? उसमें 3 लिखा हुआ सर, वो जेमिनी में बैठा है ना, तो जेमिनी जो है वो डुअल है, ओके इसीलिए मैं हमने डिग्री देखी, इसीलिए डिग्री, ओके ठीक है सर, नाउ आई गॉट द पॉइंट। तो ये आप, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी ये जितना जल्दी समझ रहे हैं अब उतना अच्छा है, क्योंकि आपको थोड़ा हॉरोस्कोप को देखने की आदत पड़ गई, तो थोड़ा देखेंगे तो उसके बाद फिर एस्पेक्ट्स वगैरह समझने में बड़ा आसानी हो जाएगी, करने में बड़ा आसान होगा वो। तो ये एक आपके लिए, किसी को कोई भी डाउट, मून आप तीनों प्लैनेट चेक करें, तीनों प्लैनेट चेक करें, अब ये कुंडली में हर कुंडली में आप ये देखेंगे सन क्या कहाँ है, किस टाइप का है, लग्न लॉर्ड क्या बता रहा है, और मून क्या बता रहे हैं, मून मतलब मन, सन मतलब आपकी सोल का पर्पस है जहां पर भी है। अभी और डिटेल में पढ़ेंगे हम इन तीनों ही प्लैनेट को पढ़ेंगे कि वो तीनों प्लैनेट अगर कि जिस हाउस में है उसका क्या मतलब है, हाउ डू यू, पर तो हम प्लैनेट्स पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। तो ये हो गया, और तो ये फिक्स मूवेबल तीनों प्लैनेट्स आपके हमने कर दिए, मन कहाँ रहेगा आपका वो हमें पता लग गया। आप चाहें तो हर प्लैनेट हर साइन के लॉर्ड के प्लेसमेंट के हिसाब से चेक कर सकते हैं आपकी एरिया में लाइफ में उस एरिया का किस तरीके का प्रभाव है, फिक्स्ड है कि मतलब जैसे मूवेबल है। सेकंड हाउस का लॉर्ड फिक्स साइन में बैठा है, मूवेबल साइन में बैठा है, बताएगा आपका पैसा, आपकी फैमिली, फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम है, मूवेबल सोर्स मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम या अलग अलग आने वाली इनकम, ठीक है। आपको अपना नेचर पूरे तरीके से हर तरीके से आप पढ़ सकते हो, हर हाउस का आप निकाल सकते हो हर हाउस, तो आपको वो पता लग जाएगा उस आपकी लाइफ में उस हाउस से रिलेटेड चीजें जो है वो किस तरीके से आने वाली, क्या मतलब मूवेबल फिक्स्ड क्या चीज, तो आपको सारा प्लैनेट का चेक करना होता है क्या सर इसमें, लाइक इवन गुरु का भी और सोनी यू कैन नहीं आपका इंपैक्ट, देखो किस चीज में इंपैक्ट पड़ेगा, ये जैसा भी मेरा सिक्स्थ हाउस में मेरा जुपिटर है, दैट इज बिकॉज़ आई एम कन्या राशि, तो 11 नंबर आ रहा है वहां पे, सिक्स्थ हाउस में जुपिटर थोड़े सैटर्न होगा ना, नहीं मैं कन्या रात तो सैटर्न का हाउस है वो ना 11 इज या बट जुपिटर सिटिंग देयर, हां तो कोई बात नहीं जुपिटर ने हो साइन देखना अपने, ओके सिक्स्थ हाउस का अगर आप लॉर्ड करें, सिक्स्थ हाउस में आपका 11 है तो उसमें सैटर्न है, जुपिटर बैठा है तो उसकी बात ही नहीं करेगी, किस हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है उसकी बात ही नहीं कर रहे, ओके हम हर हाउस के साइन के लॉर्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा ओके गॉट इट, ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अभी आपने कौन सा साइन कौन सा प्लैनेट किस हाउस में बैठा उसके बारे में नहीं देख रहे ही नहीं कुंडली, आपने सिर्फ नंबर देखने कौन से लिखे हुए हर एक हर उसमें हर एक हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, उस नंबर का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है, वो किस साइन में बैठे, ओके ठीक है, बस ये चेक करना। और वो जो भी साइन में बैठा मतलब अगर फोर्थ वाला मूवेबल पे बैठा है तो इसका मतलब घर चेंज करना, गाड़ी चेंज करना मूवेबल हो गया, घर वो फिक्स्ड है तो आप एक ही घर में रह रहे हैं, आपको घर चेंज करना मजा नहीं आता, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें आपने देखनी है, बच्चे मतलब आपने इस तरीके से आपने सारी चीजें समझ ली। हाँ जी नेक्स्ट वाला जो हम करेंगे उसमें हम वो भी पढ़ेंगे
प्लैनेट्स का सिग्निफिकेंस। आयुषी यू रेज योर हैंड, क्या है सर? वो डिग्री पूछ रहे, जैसे ड्यूअल थ्री में है तो अब डिग्री किसका देखे? प्लैनेट का, मतलब जिसका नंबर थ्री, जैसे जेमिनाई का जो लॉर्ड है मर्क्यूरी, उसका डिग्री देखे? नहीं भाई, आपका वो जो आपने तो जो प्लैनेट उसमें बैठा हुआ है, मेरा मेरे मतलब मान लीजिए लग्न में थ्री है, ठीक है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी ड्यूअल हो गया, मर्क्यूरी कहाँ पर? नहीं, वो नहीं ड्यूअल हो गया, वो ड्यूअल नहीं हो गया, थ्री का लॉर्ड, थ्री का लॉर्ड, हाँ थ्री का लॉर्ड इज इन इलेवेंथ हाउस, हाँ तो वो ड्यूअल नहीं है ना फिर? हाँ तो फिर ड्यूअल नहीं है। ओके अच्छा, मान लीजिए वो ड्यूअल होता तो फिर उसका डिग्री देखते, मतलब मर्क्यूरी का डिग्री देखते। ओके ओके ठीक है। अब हमारे को, हम सबको मालूम है हमारे वो थोड़ा सा आयुर्वेद और वो पढ़ लेते हैं, पंच महाभूत मालूम है सबको, पंच तत्व में हम विलीन हो जाएंगे। यस सर, ठीक है, बेसिक्स बेसिक है वो हमारे, उसका पंच महाभूत का मतलब फाइव एलिमेंट्स। तो फाइव एलिमेंट्स वाज योर फायर, अर्थ, एयर, वाटर, पांचवा है अपना स्पेस, ठीक है। अब एवरीथिंग आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक है, सब कुछ हमारा ये इन्हीं एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। पूरा आयुर्वेद जो है इन्हीं एलिमेंट्स को बैलेंस करने में आपकी बॉडी के अंदर यूज होता है। अगर आप इनको मिला लेंगे, जैसे ये कफ हो गया, वात हो गया, और ये पित्त हो गया, तो कफ वात पित्त, ये अर्थ एंड फायर एंड अर्थ इज कफ, अर्थ एंड ये एयर एंड वाटर इज वात, वाटर एंड स्पेस इज पित्त। ये कफ वात पित्त बेसिकली, इसमें हमें आयुर्वेद पढ़ना नहीं है, बट दिस इज जस्ट टू टेल यू कि ये सारी चीजें, ये एलिमेंट्स की गड़बड़ होती है हमारे अंदर, तो हम ये एलिमेंट्स बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद है। पूरा कंप्लीट आयुर्वेद इज बेसिस ऑन बैलेंसिंग दीज एलिमेंट्स इन योर बॉडी। अब यही एलिमेंट्स हमारी राशियों के साथ भी अटैच्ड है। फायर एलिमेंट का मतलब 1, 5, 9, अर्थ का मतलब 2, 6, 10, 3, 7, 11, वाटर मतलब 4, 8, 12, स्पेस नहीं, ये राशियां इन एलिमेंट्स के साथ हैं। अब इन एलिमेंट्स का अपना एक नेचर है, स्पेस नहीं होता है क्या मतलब कुछ? नहीं, स्पेस में कोई राशि नहीं है, स्पेस का कोई, स्पेस इज वैसे भी हॉलो, कुछ है नहीं स्पेस, एयर, स्पेस को आप डिफाइन नहीं कर सकते, स्पेस को आप पकड़ नहीं सकते, मेजर भी नहीं कर सकते, हर एक का अपना अपना अलग अलग वो, हाउ डू यू डिस्कवर व्हाट इज अर्थ एलिमेंट, व्हाट इज वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ फिर से। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं उसमें। ये एनीथिंग विच हैज शेप, वेट एंड स्टेबिलिटी, तो जो भी सॉलिड चीज आपके सामने रखी है ये सारी अर्थ एलिमेंट है। अब इसको अगर आप पानी को, वाटर जनरली पीपल वुड से इज नॉट वाटर, इज अ वाटर एलिमेंट, बट नहीं, वॉटर इन द फॉर्म ऑफ आइस इज अर्थ एलिमेंट, तो ये अर्थ एलिमेंट हो गया। तो शेप, किसी भी चीज में शेप होगी, वेट होगा, स्टेबिलिटी होगी, दैट इज अर्थ एलिमेंट। वॉटर एलिमेंट इज जिसमें कोई शेप नहीं है बट वेट है, स्टेबिलिटी भी कोई नहीं है, मोबिलिटी है, विच इज मूविंग, दैट इज वॉटर एलिमेंट। फायर इज ओनली एनर्जी, वॉटर, अगर वॉटर कोई अगर हम जब फायर के साथ होगा तो वो एनर्जी बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा, बहुत ज्यादा उसमें पावर आ जाती है स्टीम के अंदर, दैट इज व्हाट एनर्जी इज। एयर इज फ्लूडिटी, कंप्लीट फ्लूडिटी, मोबिलिटी, नॉइज, ड्राइनेस। एयर, बिना एयर इज साउंड, बेसिकली जो हम साउंड सुनते हैं वो सब एयर है। यू कांट हैव एनी, कुछ भी नहीं है
मतलब अगर कोई भी ड्रम नहीं बज सकता, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बिना एयर के नहीं बज सकता. सो यू नीड एयर फॉर एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आइदर यू ब्लो इट फ्रॉम द माउथ और इवन इन द ड्रम, इवन इन द हारमोनियम, एवरीवेयर देयर इज अ एयर इमर्जिंग एंड स्पेस इज नथिंग. सो यू रिक्वायर स्पेस, एवरीबॉडी रिक्वायर सम स्पेस इन देयर लाइफ. सो हम अपने हस्बैंड वाइफ से बोलते हैं कि स्पेस चाहिए मुझे, गिव मी माई स्पेस. स्पेस नथिंग, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, जगह चाहिए. सो दैट इज व्हाट स्पेस इज. तो ये सारे एलिमेंट्स, इनका ये बेसिक नेचर है हर एक चीज इनका. अर्थ वाटर इज कफ, वाटर फायर इज पित्त एंड एयर स्पेस इज वात. कफ पित्त वात से ही सारा आयुर्वेद बना. अब ये एलिमेंट्स को हम डिटेल में बाद एडवांस में टेक अ क्लास ऑन दिस दीज एलिमेंट्स, कहाँ से आए एलिमेंट्स, कौन से हिंदी हिंदू दर्शन में ये एलिमेंट्स आते हैं, कैसे हम लोग उसको, हाउ डू वी फर्दर डू अंडरस्टैंड दिस. बट एक हम सबका बेसिक एक वो है कि हम पंच तत्व में, हम जब बोलते हैं कोई मर गया जब उसका अंतिम संस्कार होता है, हम बोलते हैं पंच तत्व में विलीन, विच मीन्स कि इन्हीं फाइव एलिमेंट्स में आर बॉडी इज मेड अप ऑफ दिस फाइव एलिमेंट्स. जो बॉडी में जो आत्मा है, जो सोल है, दैट इज नॉट मेड अप ऑफ एनी ऑफ दिस थिंग्स. तो जब वो सोल निकल जाती तो हम लोग बॉडी बन जाते हैं. और बड़ी आसानी से हम बोलते भी भाई कोई जो जिंदा आदमी तो जिंदा है उसके नाम से बोल रहे हैं, जैसे ही मर गया उसको हम बॉडी बोलना शुरू कर देते. सो दैट इज देयर कैसे है कि वो है. बट यस, यू डोंट टेक नेम्स वंस समबडी इज डेड. तो देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑल दिस. एनी मेल फंक्शन एनी थिंग विच इज देयर, कोई भी बीमारी आपको होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है बॉडी के अंदर, इन्हीं पांच एलिमेंट्स का इम्बेलेंस होता है जिसकी वजह से कोई बीमारी होती है. आयुर्वेद उसी इम्बेलेंस को ठीक करने के लिए ही सारी दवाइयाँ देता है और इसलिए उसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा होता है. और थोड़ा वो कोई भी चीज़ होगी, सबसे पहले आपको पेट को ठीक करेंगे. हर जगह हर चीज़ की बीमारी आपकी पेट में, क्यों और पता नहीं कोई कहीं जो आँखें भी खराब है, कान खराब है, कुछ है, कान में दर्द है, तो भी वो पेट को देखेंगे. सो देव दैट्स अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट विच दे डू. दैट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म एंटीबायोटिक वाला सिस्टम नहीं है कि एक एंटीबायोटिक दी ठीक हो गए. वो पूरा बॉडी को बैलेंस करते, सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करते, एंड देन योर बॉडी इज परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड. सो दैट इज व्हाट एलिमेंट्स आर. राशियों के मतलब से वो ये एलिमेंट्स ये है 159, 26, अर्थ इज 2610, एयर इज 3711, वाटर इज 4810. अब अगर आप इसमें देखें तो व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज फायर मींस. फायर तो गर्मी है, फायर में क्या होता है, आग होता है. हमने अभी देखा फायर इज एनर्जी. तो एनर्जी क्या देती है, एनर्जी एक्टिविटी कराती है, तो आपको एक्शन कराएगी. ठीक है, फायरी साइन जितने भी हैं, जो ये फायरी साइन है 1159, मतलब कौन कौन से हो गए, एरीज, एरीज, लियो, लियो एंड सजिटेरियस. ठीक है, अब ये तीनों साइन था. अब एरीज तो हमें मालूम है, एरीज और एरीज का नॉट मार्स, मार्स उसका सन, ये सारी गर्म गर्म जुपिटर, सब गर्म प्लैनेट, सब गर्म गर्म प्लैनेट है. इनमें गर्मी ऑटोमेटिक होगी, ये इनके अंदर एंगर ज्यादा ही होगा, एक्टिविटी ज्यादा ही होगी. ये सारे साइन जो है ये आपका, दे ऑल्सो नोन फॉर देयर एक्शन ओरिएंटेशन, दे ऑल्सो नोन फॉर देयर अथॉरिटी. तो अभी हमने मूवेबल और फिक्स वो सब एक तरीका एक एस्पेक्ट पढ़ा था, वो वाला एक डायमेंशन पढ़ा था, मूवेबल है, बाकी सारी चीजें पढ़ी. एक हम पढ़ रहे हैं ये वाली चीज कि ये फायर साइन है कि अर्थी साइन है, किस टाइप का साइन है, तो उसका नेचर बताते हैं बेसिकली कि. तो ये एंग्री बताएगा, इमीडिएट एक्शन को बताएगा, ये एक्शन, दिस इज एक्शन, फायर इज एक्शन, दिस विल टेल यू ये कितना एक्शन लेंगे. और ये एक्शन लेंगे पहले सोचेंगे बाद में, ये एक्शन वाले लोग हो गए एक्शन के. अर्थ के जो है स्थिर है, ये प्रैक्टिकल लोग हैं, ये ज्यादा ये प्रैक्टिकलिटी पे विश्वास रखते हैं और ये कट टू कट बात करेंगे आपसे, तो कोई मतलब कोई फालतू बात नहीं करेंगे, लिमिटेड बोलेंगे, बट जो बोलेंगे बिल्कुल परफेक्ट बोलेंगे, कोई लपेटा बाट के बात नहीं करनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी. एरी लोग, ये एयर है, एयर इज इमेजिनेशन, एयर इज इंटेलिजेंस, तो ये इंटेलिजेंस का भी वो है. ये सारे राशि वाले सब इंटेलिजेंट लोग, थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वही पागल होते हैं, इसलिए लिब्रा इसमें लिखा हो
लिब्रंस आर लिटिल थोड़ा सा हिले हुए थे तो 3711 इज वन ये हो गया इमोशन 412 इज इमोशन तो एक्शन प्रैक्टिकलिटी इंटेलिजेंस एंड इमोशन ये चारों इनके बेसिक नेचर है इन राशियों अब इन राशियों में एक चीज और है कि अब जैसे इमोशन में अगर हम बात करेंगे 4, 8, 12 तो चार वाला सबसे ज्यादा इमोशनल है 8 वाला उससे कम 12 वाला उससे कम इसी तरीके से फायर वाले में सबसे ज्यादा आग एरीज में लगी फिर उससे कम लियो में फिर सबसे कम सैजिटेरियस इन टर्म्स ऑफ द रिएक्शन ओरिएंटेशन एंड अथॉरिटी ऑल्सो नंबर वन विल डिस्प्ले द हाइएस्ट अथॉरिटी और हाइएस्ट एंगर एंड नंबर फाइव उससे कम सेम इज अर्थ साइन टॉरस टॉरस जो है वो सबसे ज्यादा जैसे कहते हैं ना बुल वो बैठे हुए हैं सड़क के बीच में बैठे हुए थे ये बुल है बिल्कुल दे आर दे ही वोंट ये नहीं हिलेगा उससे कम 6 एंड देन सो दिस इज दिस यू कैन इजीली से यू कैन पुट अ 4 इज ग्रेटर देन 8 इज ग्रेटर देन 12 3 इज ग्रेटर देन 7 3 इज ग्रेटर देन 11 ये इस तरीके से आप इस पर डाल सकते हैं तो इंटेलिजेंट सबसे ज्यादा जेमिनी है फिर इंटेलिजेंस लिब्रंस एंड फिर आप एक्वेरियंस तो ये सारे के सारे ये इस तरीके से आप इनको आप इनकी इंटेलिजेंस ये सारी इन चार बेसिक क्वालिटीज पे आप इनको जज कर सकते हैं इनको आप बोल सकते हैं कि इस तरीके से इनका नेचर है कोई आदमी मूवेबल है और फिक्स्ड है मतलब मूवेबल है और ये अर्धी साइन भी जैसे हमारा छह था ना हाँ छह मूवेबल है और अर्धी है ठीक है तो ये मूवेबल होने के साथ साथ ये लोग प्रैक्टिकल भी हैं दे आर नॉट जस्ट खाली वो है एंड देर आल्सो इनकी बात में वजन होगा अर्धी साइन है इनकी बात में वजन होगा अर्धी अर्धी है सो इनमें इनका नेचर जो है उस हिसाब से आप बात ये भी कह सकते हैं अर्धी है स्टेबल है स्टेबिलिटी है इसीलिए वो उसमें फर्क है अब थर्ड साइन जो था 3, 6, 9, 12 वो तो ड्यूअल था ना वो तो ड्यूअल है 6 तो ड्यूअल है so 6 ड्यूअल है 3, 6, 9, 12 ड्यूअल है आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली वो जैसे आपका एरीज को फायर और मूवेबिलिटी तो ठीक है मैच कर जाती है बट अगर कहीं वहां कॉन्ट्रडिक्शन है तब आपको समझने में और मजा आएगा कि अगर वो मूवेबल है और उसका अर्धी साइन है या वो मूवेबल है और तो क्योंकि मूवेबल है और एयर है वाटर है ये तो सब मूवेबल है खुद ही मूवेबल ही चीज है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं फिर तो ठीक है ये मूवेबल जैसे बट मूवेबल ऑपोजिट है तो उसमें अलग चीज है जैसे उसमें आप सारी राशियों को आप इन राशियों को एक्शन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और इमोशन के हिसाब से भी कर सकते हैं अब इनमें हम एक आते हैं कि जेनरिक एक है इसमें हेल्थ की रेजिस्टेंस पावर कितनी किसमें रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है और किसमें सबसे कम है तो वही है फायर की सबसे ज्यादा है मतलब ये साइन वाले जो है इनकी बॉडी का रेजिस्टेंस पावर सबसे ज्यादा है ये अपने बॉडी को अपने आप हील कर सकते हैं दे आर वेरी इनकी बॉडी कम टाइम लगेगी हील ठीक होने में ये सबसे ज्यादा बॉडी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा फायर में फिर अर्थ में फिर एयर फिर वाटर सो बॉडी रेजिस्टेंस भी जो है against diseases against any disease body resistance is fire is greater than earth is greater than air is greater than water मतलब सबसे weak जो है लोग ये 4, 8, 12 वाले so we say that the immunity of this people are based on like 5 people are ये 4, 8, 12 लगन वाले हैं जी 4, 8, 12 वाले ascendant जो है ascendant ये इनकी इम्यूनिटी बाकियों से कम होती है इसलिए भी कम होती है क्योंकि ये इमोशनल ज्यादा है ये इमोशंस के ना सारे के सारे इमोशनल है तो मेंटली ये वैसे ही फ्रेजाइल है थोड़ा सा इमोशनली थोड़े से फ्रेजाइल लोग तो रेजिस्टेंस होगा भी बॉडी में तो ये इमोशनली उसको वीक कर देंगे
ये इमोशन ज्यादा है, ये बॉडी रेजिस्टेंस हो गया. वो अगर 4/12 में है तो वो इम्यूनिटी वीक हो गई. असेंडेंट जनरली असेंडेंट लॉर्ड ही हम को ही हम महत्व देंगे, असेंडेंट को थोड़ा सा कम देंगे. असेंडेंट में उतना दम नहीं, असेंडेंट लॉर्ड भी ज्यादा. अब इसके अंदर एक चीज और है, ऑड और इवन. और जितने वो है ऑड साइंस है, मतलब जितने ऑड मतलब 159 वाले 1.937 वाले, ये जितने भी साइन है मतलब फायर एंड एयर वाले जो साइन है ये सारे इंडियन मेल साइन. और जितने भी हमारे ये इवन साइन है विच इज योर अर्थ प्लस वॉटर, ये सब फीमेल है. मेल और फीमेल का क्या मतलब है? मेल और फीमेल का मतलब जो ऑड साइंस है मेल मतलब ये लोग इंडिपेंडेंट ज्यादा है, मतलब जो आजकल हम बनने की कोशिश कर रहे हैं आत्मनिर्भर, ये आत्मनिर्भर साइन है ठीक है. और ये वाले जो साइन है ये निर्भर साइन है, मतलब ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है. दीज आर इंडिपेंडेंट साइंस, ये डिपेंडेंट है. इन्हें अर्थ अर्धी वाटर साइंस को कोई ना कोई दूसरा बंदा चाहिए. वाटर साइंस तो हमें मालूम है ऐसे इमोशनल है, इनको लोग चाहिए कोई ना कोई ठीक है, कुछ ना कुछ चाहिए. मतलब असेंडेंट लॉर्ड किस साइन में है उसकी बात कर रहे हैं. तो असेंडेंट लॉर्ड अगर फायर एंड एयर साइंस में मतलब वो इंडिपेंडेंट बंदा है, अपना काम इंडिपेंडेंटली कर लेगा. अगर वो अर्थ एंड वाटर वाले साइन में तो बंदा इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत हमेशा पड़ेगी. They would need someone to help them. ये odd and even का एक measure ये है. तो उसमें नीचे जितने भी हमने words लिखे थे वो सारे हमने उसमें cover किए. कुछ उसमें चीजें और हैं जिसको हम वर्ण बोलते हैं, ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य करके, उसमें भी divided है सारी राशियां. Nothing ज्यादा matter नहीं करता वो, उसमें कुछ कोई such कोई राशि का कोई वो नहीं है, play नहीं है. बाकी एक चीज और है उसमें, उसमें नीचे लिखा हुआ विच इज नॉक्टर्नल और ड्यूरिंग नाइट, मतलब एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम एंड एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम. तो वो और है तो लग्न लॉर्ड कौन सी राशि है वो ज्यादा रात को जगना पसंद करते हैं कुछ दिन में, वही ऑल्टरनेट बेसिस पे है. ड्यूरिनल नॉक्टर्नल 1, 2, 3, 4, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारी राशियां ड्यूरिनल, दूसरा फिर नॉक्टर्नल. तो आप रिपीट करेंगे ये उसमें मैं आपको भेजूंगा, उसमें 1, 3, 5, 9, 11 ये आपका ड्यूरिनल है, मतलब एक्टिव ड्यूरिंग, एक्टिव ड्यूरिंग डेटा. और 2, 4, 6, 8, 12 ये सब नॉक्टर्नल है, मतलब एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम. इसमें 7 का लिब्रा नहीं है क्या? हाँ है ना, इसमें 7 का लिब्रा. अच्छा अच्छा नहीं है उसकी है ये तो जो ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट है वो एक 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 दिन में एक रात में. अच्छा एक दिन में एक्टिव एक रात में एक्टिव, नॉट बहुत ज्यादा फर्क इसका भी नहीं पड़ता. जो फर्क वाली चीजें थी वो यही है, जो बेसिकली अगर आपको जो एक्शन देखनी यू कैन चेक विद दिस कि लग्न लॉर्ड कहाँ पर है. तो अच्छा मेरा लग्न लॉर्ड जो है वो वाटर साइन में, इसका मतलब हाँ मैं रात को जा सकता हूँ. या मेरा लग्न लॉर्ड अगर 2, 4, 6 ड्यूरिंग डे इज एक्टर्नल ड्यूरिनल ड्यूरिनल ड्यूरिंग डे और नॉक्टर्नल का मतलब वो रात को 2, 4, 6, 8 हाँ 2, 4, 6, 8 बार.
तो ये बेसिकली राशियों का जो स्वभाव है जो हमने पढ़ा, एक है जनरल डेफिनेशन जो हमने असेंडेंट की पढ़ी, दूसरा ये तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बाय विच यू कैन रीड द नेचर ऑफ ऑल द राशिज। हर हाउस का आप चेक कर सकते हो कि आपका, एंड बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज साइंस ऑफ सिमिलैरिटीज, ये सारी सिमिलैरिटीज आप चेक करके अपने हर हाउस के बारे में आप पढ़ सकते हो, उस हाउस का लॉर्ड कहाँ पर प्लेस्ड है, उस हाउस में कौन सी राशि, दोनों ही चीजों के कैरेक्टर आपकी वो हाउस को इन्फ्लुएंस करेंगे, दोनों ही चीजों में। तो ये आपको दोनों ही हाउस के अंदर कौन सी राशि है वो भी आपको कुछ इन्फ्लुएंस करेगी उस हाउस को, और हाउस का लॉर्ड कौन सी राशि में बैठा है वो भी इन्फ्लुएंस करेगी। अगर दोनों एक ही उसमें बैठे तो फिर वो पूरा का पूरा ही इन्फ्लुएंस रहेगा उस राशि का, उस हाउस के ऊपर। तो हाउस इज बेसिकली एड्रेस, आपका एक मोहल्ले में कितने सारे घर है, हाउस बेसिकली। अब मैं आपको जैसे अगर हम इसको स्कूल के एग्जाम जैसे मैं टीचर वाला एग्जाम्पल जो हम देते हैं उसको हाउस में अगर हम डालेंगे, सो दिस इज बेसिकली क्या कपड़े पहने हैं, मतलब ये दिस इज लाइक कैसा एनवायरनमेंट है, प्लैनेट कौन से कपड़े पहनेगा जो उसके हाउस में, या जो उस घर की जो क्वालिटीज हैं वो कैसी सी होंगी, नेचर एक बताने के लिए राशियों का जो मतलब है नेचर से बता सकते हैं। नेचर से आप और भी बहुत सारी चीजें बता सकते हैं किस तरीके की चीजें हैं, कैसे कैसे सुबह वो सारी मतलब इसमें कुछ लोग तो इसको ऐसे भी देखते हैं कि अगर आपकी सेवेंथ हाउस में मान लीजिए कोई राशि है उसके सिंबल से, राशि के सिंबल से, मतलब उसका राशि का अगर मान लीजिए धनुष और ये वो है एक्वेरियस राशि, ठीक है, तो आपके घर में घड़ा हो फोर्थ हाउस में अगर एक्वेरियस है तो आपके घर में घड़ा हो, आपके सेवेंथ हाउस में तो आपकी वाइफ के घर में या आपके स्पाउस किसी से मतलब उसके सिंबल से घड़े घड़ा है, या आपका कोई धनुष बाण वाला वो जो अपना वो है तीर वाला जो है कोई वेपन है, या वैसी कोई फोटो है आपके घर में, इस तरीके से भी लोग जज करते हैं राशियों को। बट कोई उसका कोई दैट्स अगेन अ गेस वर्क विच हैपेंस नॉट एन एग्जैक्ट थिंग। तो बट राशियां पढ़ने का और हर घर का अपना स्वभाव पढ़ने का दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रीड द नेचर ऑफ ईच हाउस, ये कैसे हम नेचर पढ़ेंगे हर हाउस का, आपका हाउस के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, मतलब कैसा रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा। तो आप ये पढ़िए, आप हर घर का अपना कोशिश करिए पढ़ने का, सारे पैरामीटर्स लिख के देखिए कि उस हाउस का क्या पैरामीटर है एंड देयरफॉर किस चीज से वो उसका मतलब क्या निकला, ट्राई एंड डेराइव दैट मीनिंग। थोड़ा सा लॉन्ग ड्रॉन है बट कोशिश करो, अगर कंफ्यूज हो चुका हूं मैं अभी काफी सारा लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है बट सर हम बीच में कुछ रख सकते हैं क्लास एक और बिफोर गोइंग अहेड, नहीं ये परसों की क्लास है, नहीं मतलब अगर हम रिवीजन कर सकते हैं एक बार इसी का रिवीजन करने का फिर से, ऐसा कोई इशू नहीं है, नहीं समझ में आया जब तक समझ में नहीं आया तो हम फिर से पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक आपको सिर्फ बेसिक में वही दी जाती है कि जो असेंडेंट के बारे में बताया उतना ही था, ठीक है उतना ही था, मैंने अपनी तरह से मैं कहा चलो उसमें थोड़ा सा ऐड करके देखते बस, आप लोग थोड़े प्रोग्रेसिव टाइप के दिखे, मुझे लगा कि नहीं सीखेंगे सब लोग जल्दी सीखना चाहते तो मैंने इसको थोड़ा पहले ऐड कर देते, अदरवाइज ये मैं और बाद में बताता और ना भी बताता तो क्योंकि इसके दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, इसे नेचर से पता लगेगा और ज्यादा कुछ प्रेडिक्शन। सर इसके नोट्स आप मेल करोगे सर अभी? हाँ जी मैं कर दूंगा अभी जी सर, इसको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा सारे इसके जो भी है, बट नोट्स में ये सारी चीजें नहीं लिखी जो मैंने बोर्ड पे समझाया, नोट्स में ये सब नहीं है क्योंकि नोट्स में ये सब लिखा हुआ है कि कौन सा ये क्या है फायरी है ये है ये है वो है वो सब चीजें दी, बट देखना कैसे है वो नहीं लिखा हुआ बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक रूल्स। ये मैंने फिर भी आपको बता दिया सारा क्योंकि आप जैसे बहुत सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे जब तो उसके और बहुत सारे फीचर्स पढ़ेंगे, तो वो जितना आप लोग
कंज्यूम कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे उतनी इन्फॉर्मेशन में। तो आपने डायरेक्शंस नहीं बताई। डायरेक्शंस मैंने नहीं बताई, डायरेक्शंस में बता दूंगा आपको। डायरेक्शन में कोई खास लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सारे के सारे वाटर साइन जो है वो आपके नॉर्थ साइड है, ठीक है। तो आप डायरेक्शन में एक्चुअली मैं प्लैनेट के साथ डायरेक्शन बताऊंगा, अभी आप रुक जाओ, प्लैनेट्स के साथ बताऊंगा। तो प्लैनेट्स की डायरेक्शन समझाने के लिए मुझे आपको, क्योंकि अब फिर उस डायरेक्शन के हिसाब से आप अपने घर में भी देख सकते हो, हल्की फुल्की वास्तु भी आप थोड़ी सी नॉर्मल 1.01% वास्तु के बारे में भी आप समझ जाएंगे। मतलब लोग कहते हैं ना चाहिए डायरेक्शन कैसी, क्या नॉट की, क्या सही क्या गलत, ठीक है। बट जनरिक आपको पता होना चाहिए कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन का क्या मतलब, डायरेक्शन का मतलब क्या है। राशियों का भी डायरेक्शन है सबका, बट उनका मतलब क्या है, व्हाट डज दैट मीन, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो आप समझना जरूरी है। डायरेक्शन तो उसमें लिखी हुई है, जो मैं भेजूंगा उसमें सारी राशि की लिखी हुई है। बट आई विल एक्सप्लेन, जैसे मैंने इसमें एक्सप्लेन अलग से किया आप सारी चीजें आपको, मैं वैसे भी डायरेक्शन भी आपको अलग से प्लैनेट्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा वो बना के। तो वो एक चार्ट आप रेडी रख लेंगे अपने पास, वो हमेशा हर जगह काम आएगा वाली चीज। और मजे की बात यह है कि हमारी एडवांस कोर्स में हम ये सब कुछ नहीं देखते, हम देखते ही नहीं, हम चार्ट भी नहीं देखेंगे, हम चार्ट भी नहीं देखेंगे। मतलब जो चार्ट है आपको थोड़ा सा, एडवांस का कब शुरू होगा कोर्स? सर ये खत्म होते हैं हम एडवांस शुरू करेंगे। ये जो है ना ये सर ये चार्ट है, ये कुंडली है, ठीक है। अब इस कुंडली में ये ऊपर चार्ट है, दो लग्न चार्ट है और यहाँ पे ये निरायन भाव चलित चार्ट है, ये निकस्पल चार्ट बोलते हैं इसको। और हम ये सब कुछ नहीं देखेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जुपिटर कहाँ पर है, रेट्रोग्रेड है, कैसा है, किस राशि में, इसका मतलब क्या होगा। दूसरी राशि में टॉरस है, अब देखो इसको कैसे पढ़ा जाएगा। इसको पढ़ा जाएगा सेवेंथ हाउस में जुपिटर है और टॉरस है, तो इसका मतलब इनकी जो स्पाउस होगी वो कैसी होगी, वो अर्धी स्वभाव की होगी या बहुत ही मतलब स्लो मूवर होगी, ठीक है। एक तो जुपिटर वैसी स्लो, ठीक, जो और बड़ी हुई और इनसे बड़ी भी हो सकती है एज में। इस तरीके से ऐसे तुक्के वाली रीडिंग होती है, वो होती है तुक्के वाली रीडिंग, ठीक है। हम ये करेंगे नहीं, हम ये नीचे जो नंबर लिखे हमारे लिए यही मतलब, हमने देख रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जब हम करते हैं हमें कोई मतलब ये चार्ट्स वगैरह देखने का कोई, और जितनी हम ये पढ़ रहे हैं दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन, गुड इन्फॉर्मेशन, सारी चीजें अच्छी हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू प्रेडिक्शन, व्हेन इट कम्स टू चेकिंग कि आपको कब नौकरी मिलने वाली है, तो वो उसमें ये सारी चीजें कोई मैटर नहीं करती जो हमने पढ़ा, कौन से साइन में अर्धी है, मूल बल है, क्या है, यानी कुछ मैटर नहीं करेगा। हम इसमें देखेंगे, हम इसमें डेट्स निकालेंगे कि इस दिन पे ऐसा होगा या इतने टाइम तक नहीं मिलेगी। दिस इज बेसिकली प्लैनेट नक्षत्र सबलॉट, एक ये चार्ट देखेंगे, ये चार्ट देखेंगे, बस नीचे ये दो चार्ट्स इनको समझते हैं हम लोग एडवांस में, और कुछ लेना देना नहीं हमें, कोई योग से लेना देना नहीं, कोई नीच ऊंच का, ऊंच नीच का पापड़ा भी होगा सुना हो, ये प्लैनेट उच्च का हो गया वहां जाके, ये वक्री हो गया, ये बकरी बन गया, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको, सारे कंसेप्ट सुनाऊंगा, सारे ऊंच नीच ऊंच नीच सब पढ़ेंगे हम लोग। बट प्रेडिक्शंस के टाइम पे इट हैज नो रिलेवेंस एट ऑल, बेस्ट पार्ट ये है इसका, क्योंकि अगर आप ये इसमें घुस गए ना इस चक्कर में, इस ये इंद्रजाल है, वो एक कॉमिक आती थी ना इंद्रजाल वाली, ये वो है, इसमें आपको सालों लग जाएंगे प्रेडिक्शन करने के लिए। आप यही देखते रह जाएंगे कौन सा अच्छा, फिर बोलेंगे इसमें डिविजनल चार्ट से एक आती है जो विच इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कोर्स, बट डिविजनल चार्ट होते हैं जो D1 to D144 1600 तक बना दिया लोगों ने, तो वो डिविजनल चार्ट पढ़ने के, मतलब हर डिविजनल चार्ट एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ योर लाइफ के लिए, हमने वो भी नहीं पढ़ने, हमने वो भी नहीं पढ़ने, मतलब क्यों नहीं पढ़ने। जैसे इसमें ये लिखा हुआ है D9 नवांश, नवांश देखो, दशांश देखो, सक्सेस, डेस्टिनी, चिल्ड्रन, सिबलिंग, ये इस तरीके के बहुत सारे वो हैं चार्ट्स, हमने वो नहीं, वो भी नहीं पढ़ने। हमने षडबल लोग होता है बल निकाल, सर तो हम अभी ये बेसिक लेवल क्यों कर रहे हैं। वाह समझ ही कैसे आएगा फिर, बेसिक वही बात है, ABCD छोड़ दो, क्योंकि आसान है, हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, जब सीधा फॉर्मूला जाना, ऐसा नहीं होता। आप समझोगे कैसे, आगे कैसे समझाओगे,
इट इज भाई एडवांस कोर्स जो है या प्रोफेशनल, आपको प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना है उसके लिए, उसके लिए आपको बेसिक पढ़ना 100% जरूरी है। एबीसीडी नहीं पता होगा तो आपको आप समझ ही नहीं पाओगे उसको, पढ़ना जरूरी है। हाँ ये सारी चीजें पढ़नी जरूरी है, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा क्या है ये, क्या करना है। ये कर सकते हैं, हमारी क्लासेस अभी 2 दिन हो रही है, ठीक है, वी कैन ट्राई एंड मेक दिस क्लासेस 3 days थ्राइस अ वीक अगर जल्दी सबको। हाँ श्योर सर। हाँ सर सैटरडे को रख दो, ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे। No, नहीं सर, बहुत सर वो इतना इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट संग में रिवीजन ही नहीं हो पाएगा फिर। ट्वाइस ही ठीक है, क्योंकि एडवांस वाले में भी हफ्ते में एक या दो क्लासेस ही होगी, उतना टाइम चाहिए समझने के लिए, उतना टाइम आपको समझने के लिए चाहिए, थोड़ा टाइम आप जब तक लगाएंगे नहीं ना इन सब चीजों में। जैसे मैंने आज बोला, जब कोशिश करिए हर हाउस के बारे में समझने के लिए राशियों से, अगर आप कोशिश करेंगे तो डाउट्स आएंगे तो पूछेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी, तो वो चीज वो आप करें पढ़ें तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। और बाकी हम लोग आगे पढ़ते पढ़ते मैं आपको ऐसे मतलब दिखाऊंगा, अभी जब प्लैनेट्स पढ़ेंगे तो आपको नरेंद्र मोदी की फोटो भी दिखाऊंगा। नहीं एक बार पूरा कोर्स करा के फिर बाद में क्रैश कोर्स करा देना ना, जल्दी हो जाए। कौन सा जल्दी वाला? रिवीजन में क्रैश कोर्स। अच्छा हाँ, रिवीजन में क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स की वो एडवांस वाला, एडवांस वाला क्रैश कोर्स या बेसिक वाला जिनको जल्दी है। नहीं नहीं एडवांस कोई जल्दी नहीं, जल्दी का काम शैतान का, आप सीखोगे नहीं फायदा कुछ नहीं। हाँ। बाद में आपने खुद ही बोला यार ये समझ में नहीं आया, जल्दी कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सीखो, कुछ नहीं लगेगा 3 महीने के अंदर पूरा सब सीख जाओगे। ठीक है जी, मैंने आप 3 महीने में आप प्रेडिक्शन देने लग जाओगे, और इससे जल्दी नहीं हो सकती एस्ट्रोलॉजी, इससे जल्दी एस्ट्रोलॉजी हो ही नहीं सकती। मतलब मैं तो एग्री करता हूं जी। हां 2 साल लोगों को इसमें जर्नी बहुत लगते हैं, टेस्ट भी ने जो उस पे फ्लो पे जा रहे हो ठीक है लेट्स गो विद इट। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से कर लेते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है। न्यूमरोलॉजी ठीक है, उसके अंदर हम शॉर्टकट कर सकते हैं, उसके अंदर हम हर चीज कर सकते हैं, वो हमारे को समझ भी आ जाएगी। इसमें नहीं, इसमें जस्टिस नहीं होगा, ना आप सीखोगे ना मैं ठीक से सिखाऊंगा, वो गलत। न्यूमरोलॉजी तो फिर भी कोई समझते कि ज्यादा उसमें है नहीं, उसमें बिल्कुल क्लियर कट है, सब कुछ कट टू कट है, इसमें नहीं। सर अभी ऐसे भी बहुत देर तक है कोरोना, तो अभी बहुत टाइम है सबके पास। नहीं नहीं क्यों, चिंता मत करो, कोरोना खत्म होते सारे सारे ऑकल्ट स्पेशलिस्ट बन जाएंगे सब। तो आप लास्ट टाइम बोले थे कि सब लोग प्रोफेशनल बन सकते हैं कि आप बताएंगे करके। हाँ, मैं आप लोग खुद पढ़ेंगे ना, तो जाओ सबर करो 2-4 क्लासेस में खुद ही आप पढ़ लोगे, खुद पढ़ लोगे। अभी एक बार जो बन सकते हैं वो लोग एडवांस में चले जाएंगे। एडवांस मैं तो कहता हूँ एडवांस, अगर किसी का शौक है एक बार आप घुसे हो ना तो कोई ना कोई रीजन है इसलिए घुसे हो, ठीक है, एक बार कुछ सीख रहे हैं। मैं तो एडवांस जरूर करूंगा सर, ये एडवांस में मतलब एडवांस के तो फायदे है ना इसमें, मतलब किसी और उसमें नहीं है। कोई और अगर आप देख पढ़ोगे पराशरी पढ़ते हो तो पराशरी के अंदर आपको बहुत टाइम चाहिए सीखने के लिए, बहुत टाइम चाहिए क्योंकि उसमें कंफ्यूजन बहुत है, बहुत कंफ्यूजन है, एंड कोई फिक्स तरीका नहीं है प्रेडिक्शन का कि 1+1=2। इसमें कोशिश करी गई ऑल्दो इसमें भी फिक्स नहीं है, बट इसमें बहुत नजदीक तक कोशिश करी गई है कि 1+1=1.9 कि यहां तक तो आओ। और 3 महीने में आप जितने लोग अभी करके, और दिल्ली में तो खैर जो भारतीय विद्या भवन में करते हैं कोर्स, और बैंगलोर में वो है सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी करके है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ICM वो है इंडियन वो है, कई लोग पढ़ाते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नाम पे, वो लोग पढ़ाते हैं 2-2 साल वो लोग भारतीय विद्या भवन में कोर्स करते हैं, उसके बाद फिर वापस आके नारी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे प्रेडिक्शन नहीं हो रही, वो आदमी सामने वाले का सवाल का जवाब जब तक आप शादी पूछने आया, शादी की अगर आप उसको बताओगे नहीं ये डेट है इन डेट्स में तुम्हारा रिश्ता आ सकता है तो फायदा क्या उसके अलावा, तो फिर देन देयर इज नो यूज। तो यहाँ पे हम उस लेवल तक जाएंगे एडवांस। ठीक है फिर परसों मिलते हैं, परसों करेंगे प्लैनेट्स के बारे में बात, रिकैप करेंगे। हाँ इसका रिकैप भी करेंगे, पूरा रिकैप करेंगे। चलो कोशिश करता हूँ आपको कुछ एक कंसाइज चीज भेजने की, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो।
एक टेबल चार्ट टाइप, और आप भी खुद बना लो, खुद ही बना लो, मैं तो कर रहा हूँ चार्ट सब लोग कि कौन से सर नेक्स्ट क्लास में हम कोई एग्जांपल लेके कर सकते हैं. कौन सा एग्जांपल? मतलब कि कोई चार्ट हो और उसमें जैसे ये लग्न कौन सा है और उसके हिसाब से एक एग्जांपल लेके बेटर रहेगा. अरे बाद में एग्जांपल ही करना, मैं इसलिए ओनली रीजन आई एम रशिंग थ्रू दिस इज कि आई वांट टू डू मैक्सिमम एग्जांपल्स विद यू, कि बाद में सारे एग्जांपल्स हम पढ़े तो हम समझेंगे कि क्या कैसे पढ़ना है. क्योंकि अभी तो हमने कि एक छोटा सा एस्पेक्ट शुरू किया देखने के लिए, ठीक है. अभी हमने तो प्लैनेट्स देखे ही नहीं, अभी हमने प्लैनेट्स देखे ही नहीं कि प्लैनेट्स क्या है. अब अगली बार हम प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. फिर अभी हमने नक्षत्र पे नहीं गए, हम नक्षत्र भी पढ़ने हमने क्या नक्षत्र है बहुत कुछ है. तो ठीक है आराम आराम से करेंगे, इसलिए कोई नो हरी एट ऑल. फिर दशाएं पढ़नी, दशाएं कैसे कैलकुलेट करनी, ठीक है. तो सब कुछ है. बता ये आप सोच रहे हैं कि 9 क्लासेस के अंदर जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये 9 क्लासेस में पॉसिबल नहीं है. अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे हम, मेरे को काफी चीजें कट करनी पड़ेंगी. बट अगर आप लोग ध्यान देंगे पढ़ेंगे मैं सारा कुछ पढ़ा दूंगा. क्योंकि उसमें अगर आप रिसेप्टिव नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पॉइंट नहीं आगे बढ़ने का. समझना आप लोग को जरूरी है, जितना भी समझो पूरा समझो, आधा नहीं, ठीक है. चलिए फिर परसों मिलते हैं सेम टाइम. थैंक यू सर. ओके जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. गुड नाइट.